हेलो बच्चा लोग हेलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चों गुड इवनिंग बच्चों क्लास को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ जल्दी से मुझे बता दो अगर मेरा ऑडियो और वीडियो दोनों आपको क्लियरली दिखाई और सुनाई दे रहा हो तो प्लीज़ एक बारी कंफर्म कर दो थम्स अप कर दो जरा गुड इवनिंग अगर मेरा ऑडियो और वीडियो बच्चों सबको क्लियरली दिख रहा हो तो प्लीज एक बारी थम्सअप करके बता दो। ओके right. okay. सब ठीक है सब ठीक गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ठीक है सब बढ़िया है तो तो so, हेलो बच्चा लोग वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला माय नेम इज विकास इन टूडे बायोलॉजी क्लास चलो जानते हैं तो बच्चा लोग लास्ट लेक्चर में हमने बायोटेक्नोलॉजी को स्टार्ट किया था और पर्टिकुलरली बोलू तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था लेक्चर नंबर वन स्टार्ट किया था राइट और हमने उसमें क्या कवर करा था उसमें हमने कवर करे थे प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तो अब हमें बायोटेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा आइडिया है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए फर्स्ट जो बना था वो कैसे बना था उसका भी हमें आइडिया है अब आज हम पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी को करने के लिए हमें कौन से की टूल्स की जरूरत होती है मतलब मतलब यह बच्चों आज का गोल क्या है आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोल लो या फिर बायोटेक्नोलॉजी बोल लो कि कौन कौन से की टूल्स होते हैं जिनकी हमें जरूरत होती है बायोटेक्नोलॉजी को करने के लिए राइट ओके तो ये है आज का अपना गोल राइट देखो तो टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बच्चों अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करूं तो उसमें कौन कौन से टूल्स हमें चाहिए होते हैं सबसे पहले आएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम याद है मॉलिक्यूलर सीजर पिछली क्लास में बताया था क्या बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को और मॉलिक्यूलर सीजर क्योंकि डीएनए को अगर कट करना है तो किसकी मदद से कट करोगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट करोगे आप राइट right? उसके अलावा बच्चों पॉलीमरेज एंजाइम पॉलीमरेज एंजाइम कौन सा पॉलीमरेज एंजाइम देखो यहां पर पर्टिकुलरली बात हो रही है बच्चा लोग किसकी डीएनए पॉलीमरेज की अब बात ही आती है डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा चलो डीएनए का अगर आपको रेप्लीकेशन करना है डीएनए को आपको रेप्लीकेशन करना है डीएनए की कॉपीज बनानी है तो कौन सा एंजाइम चाहिए आपको डीएनए पॉलीमरेज अब डीएनए पॉलीमरेज बायोटेक्नोलॉजी में किस तरीके से इस्तेमाल होता है ये आपको आगे के लेक्चर में पता चल जाएगा हिंट दे देता हूं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर में पढ़ेंगे प्रॉपरली इसका रोल उसके अलावा बच्चों लाइगेज अब आपको याद है लाइगेज का क्या फंक्शन होता है बच्चा लाइगेज का फंक्शन होता है लाइगेशन लिंकिंग करना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना एग्जाम्पल के तौर पर कौन सा एंजाइम ऐसा काम करेगा डीएनए लाइगेस करेगा कौन सा एंजाइम काम करेगा ऐसे डीएनए लाइगेस करेगा राइट right? ओके okay. उसके बाद वेक्टर्स यस याद करो हमने क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि अगर एक फॉरेन डीएनए है जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है अगर उसको हम किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर कर दे तब भी वो अपने आप को आसानी से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा क्यों नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी क्लोनिंग नहीं होगी अब बात ही आती है उसकी क्लोनिंग क्यों नहीं होगी क्योंकि उसके पास ओर नहीं है ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन नहीं है इसी रीजन की वजह से ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन की वजह से उसके एक्सप्रेशन की वजह से हम इस्तेमाल करते हैं वैक्टर्स का क्लोनिंग वैक्टर का कौन से वैक्टर का क्लोनिंग वैक्टर का क्योंकि बच्चों ये किसका जीन ऑफ इंटरेस्ट की क्लोनिंग में मदद करते हैं कैसे करते हैं सबको डिटेल में पढ़ेंगे हम को डिटेल में पढ़ेंगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है राइट उसके अलावा बच्चों होस्ट ऑर्गेनिज्म अभी मैंने क्या बात करी मैंने बोला याद करो पिछले लेक्चर का चलो याद कर लो फर्स्ट रिकॉम तो e का अंदर जाएगा और उस ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप को चेंज करेगा याद करो जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म तो को हम क्या बोलते हैं उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म तो ये हमारे की टूल्स है जो हमें रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी को करने के लिए चाहिए और इन सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, राइट उनमें से आप कुछ पढ़ चुके हो बट सबको डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे राइट क्लियर ऑल राइट एक बच्चा बोल रहा है प्लाजमेड यस क्लोनिंग वेक्टर का एग्जांपल प्लाजमेट को ले सकते हैं राइट ओके okay, ओके okay. चलो पढ़ना शुरू करते हैं तो हम स्टार्ट कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या बोला देखो हम पढ़ रहे हैं बच्चों की टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और अगर आपको की टूल्स का याद हो तो सबसे पहला की टूल था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑल्सो नोनेस ऑल्सो नोनेस मॉलिक्यूलर सीजर और क्या बोलते हैं और हम बोलते हैं इसको मॉलिक्यूलर सिजर राइट बट बोलते क्यों है क्या करता है किस तरीके से करता है अब पूरा डिटेल में समझेंगे देखो सबसे पहली चीज जो आपको यहां पर गौर करनी चाहिए कि एंजाइम तो हमें पता है एंजाइम तो सर हमें पता है एंजाइम का मतलब बायो कैटलिस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट कैटलिस्ट जो रिएक्शंस को कैटेलाइज करता है लेकिन रेस्ट्रिक्शन वर्ड क्यों लगाया किस चीज को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है ये भाई सोचने वाली बात है ना वाई वी आर कॉलिंग इट एज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रेस्ट्रिक्शन वर्ड क्यों लगाया है हमने राइट right? देखो अब पहले इसको समझो फिर मैं बताता हूं रेस्ट्रिक्शन वर्ड क्या है बच्चों 1963 में 1963 में दो एंजाइम्स को आइसोलेट करा गया था 1963 में दो एंजाइम्स को आइसोलेट करा गया था द टू एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग दी ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज इन एस चरिचय अब बात को ध्यान से सुनना बच्चों बैक्टीरियोफाज बैक्टीरियो आपको क्या पता है आपको यह पता है कि बैक्टीरियो एक वायरस होता है क्या होता होता है है एक वायरस जो बैक्टीरिया में इंफेक्शन कॉज करता है एक वायरस है जो बैक्टीरिया में इंफेक्शन कॉज करता है और एक तरीके से क्या कर रहा है वो बैक्टीरिया को मार रहा है अब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो चाहता है कि वो अच्छे से जिंदा रहे उसकी प्रोजनी बहुत अच्छे से जिंदा रहे राइट तो बैक्टीरिया भी तो एक डिफेंस मैकेनिज्म को डेवलप करेगा कि नहीं करेगा बिल्कुल करेगा बैक्टीरिया भी एक डिफेंस मैकेनिज्म को डेवलप करेगा कि नहीं करेगा बिल्कुल करेगा उसने क्या करा बैक्टीरिया ने एक ऐसा एंजाइम बनाया बैक्टीरिया ने एक ऐसा एंजाइम बनाया जो क्या करेगा बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को उसके अंदर रोक देगा बैक्टीरिया ने एक एंजाइम बनाया जो बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को उसके अंदर रोक देगा और इसी को बोलते हैं हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों बोल रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को बैक्टीरिया के अंदर रोक देगा राइट right. अब इस पूरी स्टेटमेंट को समझो फिर समझते थे दो एंजाइम्स को आइसोलेट करा गया था जो क्या कर रहे थे रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे देखो रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे किसकी ग्रोथ को बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को किसके अंदर आश्चर्य कोलाई के अंदर ठीक है 1963 में हमने दो एंजाइम्स को आइसोलेट करा जो क्या कर रहे थे बैक्टीरियो की ग्रोथ को एस यानी बैक्टीरिया में रोक रहे थे रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे नाम इसीलिए पड़ा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ठीक है बात अब आगे कहानी सुनो अब बच्चों ये एंजाइम दो तरीके के थे ये एंजाइम दो तरीके के थे एक एंजाइम को हम बोलते हैं मिथाइलेज एक एंजाइम को हम बोलते हैं मिथाइलेज राइट और दूसरे को बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम को बोलेंगे मिथाइलेस, दूसरे एंजाइम को बोलेंगे क्या रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस मतलब क्या है इसको भी समझ लेते हैं देखो मैंने बोला कि दो एंजाइम्स आइसोलेट करे गए कौन कौन सा एंजाइम एक था मिथाइलेस और एक था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अब पहले मिथाइलेस को समझते हैं मिथाइलेस को समझो मिथाइलेस क्या करेगा एड्स सी एच थ्री ग्रुप मिथाइल ग्रुप क्या होता है सी एच थ्री ग्रुप टू ए और सी देखो आपको पता है डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है न्यूक्लियोटाइड में ए और सी की बात कर सकते हैं बच्चों तो मिथाइलेस क्या करता है मिथाइलेस मिथाइल ग्रुप को ऐड करता है ए और सी पे ए और सी पे देखो क्या लिखा हुआ है वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए इनमें से एक मिथाइल ग्रुप जोड़ता था डीएनए को तो वो कौन सा है मिथाइल है दूसरा दूसरा क्या कर रहा रहा था था बैक्टीरियो की ग्रोथ को रोक रहा था, उसको मार रहा था दी अदर कट डीएनए बच्चों दूसरा डीएनए को कट कर रहा था अब तुम कहोगे डीएनए अभी तो सारा बैक्टीरियो फाइज बोल रहे थे बच्चों थोड़ा सा याद करो वायरस की अगर हम बात करें या तो मैंने बताया भी था ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर में

अगर बैक्टीरिया वायरस के न्यूक्लिक एसिड को तोड़ दे बेकार कर दे तो वह इंफेक्शन कॉज नहीं कर पाएगा मतलब उसकी एंट्री को रेस्ट्रिक्ट है पॉइंट समझ में आया कट कर रहा है डीएनए को अब देखो डीएनए क्या है डीएनए होता है न्यूक्लिक एसिड डीएनए क्या होता है न्यूक्लिक एसिड तो बच्चों न्यूक्लिक एसिड को काटने वाले एंजाइम को क्या बोलोगे न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड को काटने वाले एंजाइम को क्या बोलेंगे न्यूक्लियस पॉइंट में आ रहा है देखो इस तरीके से देख सकते हो ये बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया है। और ये हो गया अपना बैक्टीरियो फाज ठीक है अब इसके पास इसका जेनेटिक मटेरियल था इसने इंसर्ट करा बैक्टीरिया के अंदर लेकिन हो क्या रहा है लेकिन हो क्या रहा है इसका जो जेनेटिक मटेरियल है अंदर जा रहा है वो खराब हो जा रहा है जैसे ये जेनेटिक मटेरियल है उसको तोड़ दिया जा रहा है ना भाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बच्चों रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस जो है रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस है क्या उसको क्या करेगा कट कर देगा छोटे छोटे पीसेस में मतलब एट दी एंड क्या मिल रहा है आपको एट दी एंड आपको देखने को ये मिल रहा है देखो टुकड़े टुकड़े हो गया अब एक बात बताओ क्या ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है बैक्टीरिया के अंदर नहीं कर सकता तो उसकी एंट्री को रेस्ट्रिक्ट कर दिया इसलिए नाम पड़ा एंजाइम क्लियर तो तो ये तो हो गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाला पॉइंट अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है देखो पहले एक बच्चा पूछ रहा था ए और सी क्या है तो बच्चों एडीनोसाइन साइटोसिन सुने होंगे आपने तो ये वही है न्यूक्लियोटाइड जिनको हम बोलते हैं अब हाँ बात आती है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो चलो बैक्टीरियो वायरस के न्यूक्लिक एसिड को कट कर रहा है यह हमें पता चल गया बात 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 आती आती है 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 क्या 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 कर कर रहा रहा आ रही कि राइट बच्चों मिथाइल ग्रुप को ऐड कर रहा है क्यों ऐड कर रहा है एक बात बताओ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं ना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं बच्चों डीएनए की स्पेसिफिक सिक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके उसको कट करते हैं एंड न्यूक्लियस क्या करते हैं डीएनए की स्पेसिफिक सिक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके उसको कट करते हैं तो वैसी सेम सिक्वेंस क्या बैक्टीरिया में नहीं हो सकती हो सकती है कि नहीं हो सकती बिल्कुल हो सकती है तो बैक्टीरिया अपने आप को बैक्टीरिया अपने आप को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से बचाता है किसकी मदद से मिथाइलेज की वजह से मतलब प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्शन ऑफ प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस किसको कर रहा है प्रोटेक्ट बैक्टीरियाज ओं डी एन एथाइलेज का क्या सिग्निफिकेंस है मिथाइलेज बैक्टीरिया के खुद के डीएनए को बैक्टीरिया के खुद के डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के एक्शन से बचाता है दिस इज दिग्निफिकेंस पॉइंट में आया क्लियर है समझ में आया यस yes, चलो बताओ क्लियर है यहां तक कि क्या सिग्निफिकेंस है मिथाइलेस का यसिस yes, बिल्कुल सही है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पर्स्टिंग कर देता है ओके ऑल राइट यहां तक क्लियर है चले आगे तो में मिथाइलेस कई बार ही डाउट आता है कि मिथाइलेस क्या करता है तो मिथाइलेस बैक्टीरिया को उसके ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से बचाता है यस yes. ऑल right, चलो आगे चलते हैं. अब बात चलते हैं बच्चों फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की तरफ हम चलते हैं फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो था बच्चों वो था हिंड टू फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन था हिंड टू था राइट right? और इसको आइसोलेट करा गया था इसको आइसोलेट करा गया था और करेक्टराइज हुआ था बच्चों ये पांच साल बाद फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था पहली बात है क्वेश्चन आ जाता है फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन कौन था जो आइसोलेट हुआ था तो आ जाएगा आंसर हिंड टू और इसको कैरेक्टराइज करा गया था प्रॉपरली इसको करेक्टराइज करा गया था पांच साल बाद मतलब इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन आई थी पांच साल बाद नाउ द क्वेश्चन अराइज कि करता क्या किस तरीके से काम करता देखो कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो बच्चों कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है जो वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है क्या बोला मैंने कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करने से पहले देखो फिलहाल आपके पास एक इंफॉर्मेशन है कि कट करता है तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन काम करने से रिकॉग्नाइज करता है क्या बोल रहा हूं मैं रिकॉगनाइजे स्पेसिफिक सिक्वेंस ये स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है और बच्चों लोग इस स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नीशन सीक्वेंस भी बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको रिकॉग्निशन सिक्वेंस पॉइंट समझ में आ रहा है कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करने से पहले एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है उस सीक्वेंस को बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्लियर ओके अब एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर देखो जैसे बच्चा लोग अगर मैं बात करूं हिंड टू की हिंड टू तो इसकी जो सीक्वेंस होती है वो होती है जी टी सी जी ए सी जी टी टी जी ए तो बच्चों ये आप देख सकते हो यहां पर ये यह जो इसकी सीक्वेंस है ये सीक्वेंस है इसकी जिसको ये रिकॉग्नाइज करता है तो इसकी सीक्वेंस को क्या बोलेंगे हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे इसी की सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलेंगे और अगर आप ध्यान से देखो कि हिंड टू जिस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर रहा है वो कितने बेस पेयर के सिक्स बेस पेयर के है कितने बेस पेयर की बच्चों सिक्स बेस पेयर की सीक्वेंस है सिक्स बेस पेयर की सीक्वेंस है राइट अब सिक्स बेस की जो रिक सिक्वेंस है उसमें ये कहां कट करता है इस जगह पर इस जगह पर बच्चों ये कट करता है कौन सा हमारा हिंड टू ठीक है कट कर रहा है आप देखो ध्यान से जी टी सी टी ए जी तो यहां पर जो एंड्स बन रहे हैं ना यहां पर जो एंड्स बन रहे हैं इनको हम बोलते हैं ब्लंट एंड्स इनको हम क्या बोलते हैं ब्लंट एंड्स बोलते हैं राइट पॉइंट समझ में आया क्या क्या पढ़ा हमने अब तक हमने पढ़ा जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था जो आइसोलेट करा गया था वो कौन सा था हेंड टू था ठीक है और इसको कैरेक्टराइज करा गया पांच साल बाद ंड टू की बात करें वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है या कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है जिसको बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस हिंड टू केस में बात करें अगर हिंड टू केस में बात करूं तो वह सिक्स पेयर की सीक्वेंस होती है जो कि ये सीक्वेंस है और इस जगह पर सी और जी के बीच में ये कट करता है तो हमें इस तरीके के ब्लंट एंड मिलते हैं तो ये हो गई इंफॉर्मेशन अबाउट वॉट हिंड टू पॉइंट क्लियर है बात समझ में आई यस yes. क्लियर है यस yes, बच्चे ये सीक्वेंस जो मैंने लिखी है हिंड टू का सीक्वेंस है हिंड टू इसी स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है और कट करता है राइट पहले सीक्वेंस के बारे में अभी मैं बताऊंगा ओके <coughs> okay. अब सुनो मेरी बात आगे नीचे ही मेंशन कर देता हूं मैं यहां पे देखो बच्चों हिंड टू के अलावा अगर मैं बात करूं बिसाइड्स हिंड टू हिंड टू के अलावा अगर मैं बात करूं तो हमने कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट कर रखे अब तक मोर देन नाइन हंड्रेड मोर देन नाइन हंड्रेड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आइसोलेट करे हैं पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर हम देखें हमने कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अब तक आइसोलेट कर रखे हैं तो हिंड टू के अलावा मोर देन नाइन हंड्रेड रेस्ट्रिक्शन आइसोलेट करा है ऑफ बैक्टीरिया 230, 230 से भी ज्यादा स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से पॉइंट समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने मैंने बोला कि हिंड टू के अलावा हमने नौ 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को आइसोलेट कर रखा है और कितनी स्ट्रेन से करा है बैक्टीरिया की ओवर 230 थर्टी स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से तो ये एक इंफॉर्मेशन है एनसीआरटी की जो आपको पता होनी चाहिए क्लियर यस बिल्कुल सही टू थर्टी बैक्टीरिया स्ट्रेन बिल्कुल सही क्लियर बच्चा लोग यस मोर देन 900 बिल्कुल बिल्कुल चलें आगे एक बच्चा पूछ रहा है सर वाई इट कट ओनली थ्रू बिटवीन जी एंड सी बच्चे ये हमने मतलब फाइंड आउट करा है डिस्कवरी के थ्रू पता करा है हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है और वो स्पेसिफिक जगह पर कट करता है तो स्पेसिफिकली नेचर में वो ऐसा है ये हमने नहीं बनाया वो ऐसा करता है ओरिजिनली तो हमने डिस्कवरी के थ्रू पता लगाया राइट ओके आगे चलते हैं अब बात करते हैं बच्चे लोग नॉमन क्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जैसे आपने देखा ना हिंड टू अरे हिंड टू क्यों बोल दिया यार रीजन तो होगा ना कुछ उसके पीछे हिंड टू जो हम बोल रहे हैं उसके पीछे कुछ तो रीजन होगा ना तो अब समझते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की नेमिंग किस तरीके से करी गई है क्या पढ़ने चल रहे बच्चों कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की जो नेमिंग है या जो नॉमन क्लेचर है वो किस तरीके से करा गया है राइट चलो देखो और इससे ना आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि जो मैंने पीछे बोला था कि 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आइसोलेट कर रहे हैं ओवर 230 स्ट्रेनस ऑफ बैक्टीरिया तो आपकी वो इंफॉर्मेशन भी क्लियर हो जाएगी देखो जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बात करूं पहले इको वन की बच्चों अब इको वन ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है तो इसका नॉमेनक्लेचर किस तरीके से करा गया है इसको समझते हैं देखो जो फर्स्ट लेटर है बच्चा लोग फर्स्ट लेटर रिप्रेजेंट जीनस ये जो फर्स्ट लेटर है बच्चा लोग ये क्या रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट लेटर रिप्रेजेंट करता है जीनस तो जैसे कि यहां पर ई e का मतलब क्या है जीनस क्या होगा एस चेरी जीनस क्या होगा एस चेरीचिया राइट उसके बाद नेक्स्ट दो लेटर देखो नेक्स्ट दो लेटर ये दो लेटर जो नेक्स्ट होते हैं बच्चों ये रिप्रेजेंट करते हैं स्पेशीज को जैसे कि यहां पर कौन सी स्ट्रे है कोलाई कौन सी स्पेशीज हो जाएगी बच्चा लोग यहां पर कोलाई पॉइंट समझ में आ रहा है पहला लेटर जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है नेक्स्ट के तो जो दो छोटे लेटर वो रिप्रेजेंट करे स्पेशीज को क्लियर नेक्स्ट लेटर की बात करते हैं अब ये जो नेक्स्ट लेटर है ना बच्चा लोग ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेन नेक्स्ट लेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया जैसे अगर मैं यहां पर इसकी बात करूं तो यहां पर जो आर वाई थर्टीन स्ट्रेन है यहां पर कौन सी स्ट्रेन है बच्चों आर वाई थर्टीन स्ट्रेन स्ट्रेन का नाम है यहां पर आर वाई थर्टीन मतलब एसचेचिया कोलाई Organism कौन सा है कोलाई और स्ट्रेन कौन सी है स्ट्रेन है। अब पता ये ना साइंटिस्ट के ऊपर था जिन्होंने भी आइसोलेट करा था उनके ऊपर था वो कौन सा लेटर चूज करेंगे जैसे यहां पर आर वाई थर्टीन में से आर लेटर को चूज करा गया कि इसको हम रखेंगे क्लियर है बात अब आगे की बात सुनो लास्ट में बच रहा है ये रोमन नंबर रोमन नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि किस ऑर्डर में इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को एक पर्टिकुलर स्ट्रेन से निकाला गया रोमन नंबर इंडिकेट्स दी ऑर्डर रोमन नंबर इंडिकेट्स दी ऑर्डर इन विच रोमन नंबर इंडिकेट्स दी ऑर्डर इन विच इन विच दिस पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर एंजाइम इज आइसोलेटेड फ्रॉम दैट ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया तो इसमें जो लास्ट लेटर है जो रोमन नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस ऑर्डर में इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को किस ऑर्डर में इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को उस पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से निकाला गया जैसे यहां पर वन मतलब क्या है सबसे पहले मतलब पॉइंट पता है क्या इको इको की अगर हम बात करें कोलाई थर्टीन स्ट्रेन से निकाला गया पहला रेस्ट्रिक्शन तो मतलब बैक्टीरिया की वेराइटी स्ट्रेन मतलब बैक्टीरिया की वेराइटी ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन ने बिल्कुल सही बोल सकते हैं तो में बचाल किस तरीके से नॉर्मल क्लेचर करा गया रिस्ट्रिक्शन से हमने नेमिंग करी बच्चे तो ये स्ट्रेन का नाम है जैसे हमारा नाम होता है सर नेम होता है ना उसमें क्या होता है एक फर्स्ट नेम होता है एक लास्ट नेम होता है उस तरीके से बैक्टीरियल स्ट्रेन का इस तरीके से हम नाम लिखते हैं आर वाई थर्टीन आर वाई फोर्टीन आर वाई फिफ्टीन इस तरीके से अलग अलग स्ट्रेन होती है बैक्टीरिया की राइट क्लियर है बच्चा लोग यहां तक ओके okay, चलो नेक्स्ट बात करते हैं फर्दर अब देखो हमने बात करी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हमने बचा लोग किसकी बात करी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हमने बात करी अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में बचा लोग दो तरीके के हो सकते हैं एक्सो न्यूक्लियसिस एंडो न्यूक्लियसिस एक्सो न्यूक्लियसिस एंडो न्यूक्लियसिस लेकिन इनको पढ़ने से पहले एक बात समझनी होगी देखो अगर हम बात करें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दोनों के लिए कॉमन वर्ड हो गया चाहे एक्सो न्यूक्लियस की बात करो चाहे एंडोन्यूक्लियस की बात करो दोनों के लिए कॉमन वर्ड है क्या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बात करें तो बच्चों ये एक लार्जर क्लास को बिलोंग करते हैं और ये कौन सी लार्जर क्लास को बिलोंग करते हैं को कौन सी लार्जर क्लास को बिलोंग करते हैं Nucleases को फिर से सुनो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग करते हैं एक लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स को जिसको बोलते हैं न्यूक्लिए और nucleases का सिंपल सा मतलब मतलब है क्या मतलब है न्यूक्लिय न्यूक्लिक एसिड को काटने वाला कट करने वाला एंजाइम होता है न्यूक्लिय सिंपल क्या पॉइंट समझ में आ रहा है आपको यहां पर न्यूक्लिय मतलब ये किसको क्लीव करेगा कट करेगा न्यूक्लिक एसिड को तो एक्सो न्यूक्लियस एंडो न्यूक्लियस का फंक्शनिंग अलग है बट दोनों के दोनों न्यूक्लिक एसिड को ही कट करेंगे क्लियर एक बच्चा पूछ रहा है हिंड क्या होता है एक बच्चा पूछ रहा है हिंड क्या होता है तो मैं जल्दी से यह भी बता देता हूं फिर हम आगे चल लेते हैं ताकि यहां पर भी क्लैरिटी आ जाए देखो देख लो दूसरा एग्जांपल भी देख लो जल्दी से हिंड टू अब रोमन नंबर तो बताने की जरूरत नहीं है लेकिन बाकी चीज समझ सकते हो आप क्या देखो लोग एच यहां पर है हीमोफाइलस जीनस एच क्या है हीमोफाइलस जीनस आईएन क्या है उसकी स्पेशीज इन्फ्लुएंजे और डी क्या है आरडी स्ट्रेन तो अगर हिंड टू की बात करें तो एच स्टैंड फॉर हिमोफाइलस क्या है उसका जीनस इंफ्लुएंजे आई एन स्पेश और आरडी स्ट्रेन तो आप देख सकते हो आरडी स्ट्रेन में से यहां पर डी को चूज करा गया ये हो गया हिंड टू के लिए सिंपल क्लियर चलो चले तो हमें पता चल गया कि न्यूक्लियसिस क्या होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड पर अटैक करते हैं अब देखो न्यूक्लियसिस बच्चा लोग दो तरीके के होते हैं एक होता है एक्सो न्यूक्लियस देखो एक्सो मतलब आउटसाइड जो बाहर से अटैक करे और एंडो मतलब इन एंडो मतलब जो कहां पर अटैक कर रहा है बच्चा लोग इन साइड पर अटैक कर रहे हैं मतलब क्या है मतलब देखो एक्सो न्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम दी एंड्स ऑफ डीएनए अगर एक्सो न्यूक्लियस की बात करते हैं तो ये क्या कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स को निकाल तो रहे हैं कट तो कर रहे हैं लेकिन क्या एंड से कर रहे हैं डीएनए के एंड से कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं देखो ये एक बच्चों फॉर एग्जाम्पल ये हो गया एक डीएनए डीएनए में आपको पता है एक फाइव प्राइम एंड होता है एक थ्री प्राइम एंड होता है एक फाइव प्राइम एंड होता है तो एक्सो मतलब क्या कर रहा है एक्सो मतलब हमें पता है कि ये एंड से एंड से कट कर रहा है डीएनए को अब डीएनए के दो एंड होते हैं या तो फाइव प्राइम एंड होगा या थ्री प्राइम एंड होगा देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये यहां पर कट कर रहा है फाइव प्राइम एंड पर कट कर रहा है इस जगह पर ठीक है इधर भी फाइव प्राइम एंड पर दिखा देते हैं क्या होगा फिर देखो रिजल्ट में देखो सिंपल न्यूक्लियस क्या कर रहा है एक्सो न्यूक्लियस एंड पर कट कर रहा है हमने दिखाया फॉर एग्जांपल फाइव प्राइम एंड पर कट कर रहा है तो देखो दोनों जगह पर अगर प्राइम एंड पर कट कर करा तो इस तरीके से हो जाएगा ये एंड वाला पोर्शन अलग निकल गया और बाकी प्रेजेंट है तो ये हो गया अपना एक्सो न्यूक्लियस जो कि एंड पर कट करता है या तो वो फाइव प्राइम एंड पर कट करेगा या फिर थ्री प्राइम एंड पर कट करेगा लेकिन आउटसाइड पर ही करेगा और इसी रीजन की वजह से इसका नाम है एक्सो न्यूक्लिय क्लियर दूसरी तरफ बच्चों एंडोन्यूक्सिस को देखो दूसरी तरफ हम किसकी बात पर भी कट कर सकता है डीएनए के अंदर कहीं पर भी कट कर सकता है इसलिए नाम लगा है एंडोन्यूक्सिस और स्पेसिफिक पोजिशन पर कट करता है हमने यहां पर बात करी एक्सो तो एक्सो तो, तो या तो फाइव प्राइम एंड या थ्री प्राइम एंड पे लेकिन क्या कर रहा है स्पेसिफिक पोजिशन में जा रहा है पहले स्पेसिफिक पोजिशन में जाएगा फिर कट करेगा तो एक चीज का ना आपको आइडिया लग जाना चाहिए क्या आइडिया लगेगा सर बच्चों आइडिया ये लगेगा कि इन दोनों में से कौन सा इंजाइन ज्यादा इस्तेमाल में रहेगा बायोटेक्नोलॉजी में बताओ अगर एक्सो न्यूक्लियस और एंडो न्यूक्लियस की बात करें तो कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है बायोटेक्नोलॉजी के लिए बताओ बहुत ही सिंपल आंसर है इसका इन द मीन टाइम मैं इसको बना के दिखाता हूं आपको से वो देखो अभी अंदर कहीं पे कट कर रहे तो डिफरेंस आपके सामने बच्चा लोग अगर यहां पर आप देखो तो ये एंड पर ही कट कर रहा था लेकिन यहां पर आप देख सकते हो सेंटर में कट कर रहा है और देख सकते हो किस तरीके से एंड्स मिल रहे हैं हमें तो अगर स्पेसिफिकली डीएनए के अंदर आपको कहीं पर पर्टिकुलरली जगह पर कट करना है तो आप यूज करोगे रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस इस रीजन की वजह से यस फाइनली आंसर आना शुरू हो गया बिल्कुल सही इसी रीजन की वजह से एंडो yes, न्यूक्लियसिस को प्रिफर करा जाता है और इनको ही बायोटेक्नोलॉजी में मेनली यूज करा जाता है तो मतलब अगर बायोटेक्नोलॉजी में कोई कह रहा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो आपको दिमाग में रखना कि रेस्ट्रिक्शन एंडो की ही बात हो रही है सिंपल वेरी गुड यस बिल्कुल सही एंडो ही करेक्ट है वेरी गुड एक बच्चा पूछ रहा है सर थ्री और फाइव दोनों में एक साथ कट क्यों नहीं करता बच्चे एंजाइम में एक ही जगह पर तो कट कर पाएगा एक बारी में वैसे कुछ होते हैं जो थ्री और फाइव दोनों में कर सकते हैं लेकिन पर्टिकुलरली एक एंड पर ही कट करेगा जैसे एक होगा वो फाइव प्राइम एंड पर ही कट कर सकता है दूसरा होगा तो थ्री प्राइम एंड पर ही कट सकता है इसमें भी ये होता है स्पेसिफिकली थ्री प्राइम एंड के लिए एक फाइव प्राइम एंड के लिए दूसरा ठीक है ओके आगे चलते हैं अब एक बात समझते हैं क्या बात समझनी है हमें बात यह समझनी है कि हम काफी देर से एक बात कर रहे हैं क्या बात कर रहे हैं सर हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में बेसिक जान लिया उसके नॉमन को जान लिया और एक बात हमने करी थी हिंड टू के साथ कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्स क्या करते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं तो थोड़ा सा उस स्पेसिफिक सीक्वेंस के बारे में समझते हैं थोड़ा सा उस स्पेसिफिक सीक्वेंस के बारे में बच्चा लोग समझते हैं देखो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस तो मैंने एक बात बोली थी क्या बात बोली थी मैंने बोला था कि जो हिंड टू होता है वो एक स्पेसिफिक सिक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है तो बच्चों उस स्पेसिफिक को क्या बोला था मैंने रिकॉग्निशन सिक्वेंस क्या बोला था उसको मैंने बोला था रिकॉग्निशन सिक्वेंस रिकॉग्निशन सिक्वेंस के अलावा वो क्या करता है रिकॉग्निशन सिक्वेंस के अलावा बच्चों उसी सिक्वेंस को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंस मतलब क्या है मतलब ये है कि एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है उस स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को क्या बोलते हैं और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अब बात ही आती है बोलते क्यों है चलो समझते हैं देखो ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग ऑफ अ डीएनए सीस हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे फंक्शन करता है वो डीएनए की लेंथ को इंस्पेक्ट करता है भाई सिंपल सी बात है ना सोचो ये मेरा हाथ बच्चों बड़ा सा ये डीएनए है फॉर एग्जाम्पल मेरा जो ये हाथ है ये बड़ा सा डीएनए है अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमें पता है एक स्पेसिफिक जगह पर एक स्पेसिफिक सिक्वेंस पर जाकर बाइंड करेगा स्पेसिफिक सिक्वेंस पर जाकर बाइंड करेगा और वहां पर उसको कट करेगा तो देखो ये फॉर एग्जाम्पल ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आया तो डीएनए को क्या कर रहा है डीएनए के सिक्वेंस को इंस्पेक्ट करता हो जा रहा है इंस्पेक्ट करता हो जा रहा है इंस्पेक्ट करता हो जा रहा है क्यों इंस्पेक्ट कर रहा है ताकि उसको स्पेसिफिक सिक्वेंस मिल जाए ठीक है

और जैसे उसकी स्पेसिफिक सीक्वेंस मिलेगी वो उस पर क्या करेगा बाइंड करेगा बाइंड क्यों करा है नाम एंड कट ईच ऑफ दी टू स्ट्रेंड्स ऑफ डबल हेलिक्स यस ये चीज आपने अभी नोटिस करी थी पीछे कि डीएनए डबल हेलिक्स में दोनों स्ट्रेंड्स पर कट करता है दोनों ही स्ट्रेंड्स पर कट करता है कट करेगा और स्पेसिफिक पॉइंट पर कट करेगा अब एक बच्चा पूछेगा सर स्पेसिफिक पॉइंट पर कट करेगा मतलब मतलब ये रहा बच्चा लोग देखो स्पेसिफिक सीक्वेंस थी हिंड टू की बाइंड करा और स्पेसिफिक पोजिशन यस ध्यान से ध्यान से क्या क्या डीएनए के अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करना सबसे पहले एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा कर लिया और उस स्पेसिफिक सीक्वेंस में भी स्पेसिफिक पॉइंट पर कट करेगा कौन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जैसे यहां पर हिंड टू की ये स्पेसिफिक सीक्वेंस है, है उसमें भी देखो स्पेसिफिक पोजिशन पर कट कर रहा है जी और सी के बीच मर कट कर रहा है यस yes. देखो क्या लिखा है आगे का पॉइंट इट विल बाइंड टू दी डीएनए एंड कट ईच ऑफ दी टू स्टैंड ऑफ दी डबल हेलिक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट्स। इन देयर शुगर फॉस्फेट बैकबोन अब इतना तुम लोगों को पता है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस तुम लोगों ने पढ़ा है कि डीएनए की बैकबोन को शुगर फॉस्फेट की बैकबोन बोलते हैं क्लियर है <coughs> अच्छा मैं रिपीट कर देता हूं कोई नहीं फिर से बता देता हूं फॉर एग्जांपल एक डीएनए है बड़ा सा और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है मेरा हाथ ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर रहा है डीएनए में अपनी स्पेसिफिक सीक्वेंस को ढूंढ रहा है तो एक बात देखो, ये डीएनए को इंस्पेक्ट ही तो कर रहा है और जैसे इसकी स्पेसिफिक सीक्वेंस मिली फॉर स्पेसिफिक सीक्वेंस बाइंड कर गया, और अब ये क्या करेगा डीएनए को कट करेगा और को कट करता है तो दोनों स्ट्रैंड्स पर कट पर कर रहा है कि नहीं कर रहा है दोनों स्ट्रैंड्स पर कट कर रहा है देखो ठीक है अब दोनों आगे की बात ईच रेस्ट्रिक्शन रिकॉग्नाइज सीक्वेंस तो हमने बोला कि रेस्ट्रिक्शन एक स्पेसिफिक सिक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है और क्या बोलते हैं और क्या बोलते, है? और क्या बोलते हैं बच्चों पेलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंस अब मतलब यह आता है पेलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंस क्यों बोलते हैं बात ही आती है कि पेलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंस क्यों बोलते हैं देखो Palindrome क्या होता है देखो पैलिंड्रोम का मतलब होता है बच्चों वो शब्द जिसको आप फॉरवर्ड से रीड करो या बैकवर्ड से रीड करो पैलिंड्रोम का मतलब होता है वो शब्द जिसको आप फॉरवर्ड से रीड करो या बैकवर्ड से रीड करो मतलब सेम रहेगा देखो जैसे कि एक एनसीआरटी में दे रखा है मलयालम क्या दे रखा है मलयालम अब इस मलयालम को आप इधर से रीड कर लो या इधर से रीड कर लो मतलब फॉरवर्ड से रीड करो या बैकवर्ड से रीड करो इसका मतलब सेम रहेगा ठीक है पर ये तो जनरल वर्ड की बात हो गई हम तो डिस्कस कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम बचलो किस को डिस्कस कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के केस के में हम क्या बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के केस में हम बोलेंगे पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंस क्या बोल रहे हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंस अब थोड़ा सा ना ध्यान से समझना क्योंकि बच्चे इस पॉइंट में भी कंफ्यूज रहते हैं क्या पेलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को समझते हैं अब यहां पर तो आप समझ गए कि ये फॉरवर्ड हो गया ये बैकवर्ड हो गया डीएनए में कैसे समझोगे डीएनए में कैसे समझोगे तो एग्जाम्पल देखते हैं देखो जैसे मैं यहां पर एक सीक्वेंस लेकर आऊं जी ए ए टी टी सी जी ए ए टी टी सी ठीक है ऑलराइट

तो देखो फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम चलो जी ए ए टी 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 सी सी ठीक है इधर इधर से से प्राइम पे चलो जी ए ए तो इधर से जो रीड करा और इधर से जो रीड करा दोनों तरफ से मतलब सेम रह गया तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या रेस्ट्रिक्शन एंडो ही सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके बाद स्पेसिफिक पॉइंट पर कट करते हैं इसके लिए आगे मैं आपको बताऊंगा लेकिन फिलहाल ये समझो कि ये सीक्वेंस वाला पॉइंट क्लियर है आप सभी को समझ में आया बच्चा लोग क्लियर yes, है क्लियर बच्चा लोग चले आगे यस yes. ओके गुड गुड बहुत बढ़िया चलो अब यहां पर ना एनसीआरटी का एक एग्जाम्पल दे रखा है तो मैंने उसी एग्जाम्पल को पिक करा ताकि आप एनसीआरटी से रिलेट कर पाओ तो हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में कई सारी चीजें जान ली है अब उसको यहां पर अप्लाई करते हैं एग्जाम्पल तो के तौर पर बच्चों एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को ले रहा हूं इको आर वन अब आप कहोगे सर इको आर वन पे क्यों अटके हुआ है क्योंकि भाई एनसीआरटी में इको आर वन नहीं दे रखा है तो उसी को हम फीड कर रहे हैं दिमाग में ठीक है देखो अब इको आर वन की बच्चों जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है वो होती है जी ए ए टी टी सी जी ए ए टी टी सी अगेन फाइव प्राइम थ्री प्राइम कर देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी बनी रहे यस yes. तो हमने एग्जाम्पल लिया है इको आर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के और आप देख सकते हो ये इसकी स्पेसिफिक क्या है अब स्पेसिफिक नहीं बोलूंगा आप बोलूंगा ये इसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस है ये इसकी क्या है रिकॉग्निशन सीक्वेंस या फिर ये इसकी है पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस राइट तो सबसे पहले तो ये डीएनए को इंस्पेक्ट करेगा डीएनए को ऐसे क्या करता हो जाएगा स्कैन करता हो जाएगा और जैसे इसको ये अपनी सीक्वेंस मिलेगी इससे ये बाइंड कर जाएगा और बाइंड करने के बाद स्पेसिफिक पॉइंट पर कट करता है बाइंड करने के बाद स्पेसिफिक पॉइंट पर कट करता है कहां कट करता है यहां पर कट करता है बच्चों इस जगह पर कट करता है ये ठीक है अब अगर कट करके मैं लिखूं तो इसको किस तरीके से लिखूंगा देखो दूसरी तरफ भी लिख लेते हैं कंफ्यूजन ना रहे ताकि जी एक सेकेंड टी टी ए, ए। यस कट करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा बोलो में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ कट करके कैसा दिखेगा ये तो आपने क्या समझा आपने समझा कि इको इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को क्या करता है रिकॉग्नाइज करता है और कहां पर बच्चों कौन से स्पेसिफिक पॉइंट पर कट कर रहा है इको ए और जी के बीच में ए और जी के बीच में कट कर रहा है इस तरीके से कट करने के बाद कुछ दिखेगा एंड्स मैंने मार्क नहीं करे हैं आप चाहो तो कर सकते हो मैं भी यहां पर कर दे रहा हूं देखो एंड्स को भी आप मार्क कर सकते हो कुछ इस तरीके का दिखेगा पॉइंट क्लियर है यहां तक बोलो क्लियर है पॉइंट में आया किस तरीके से इसने पेलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करा और उसको फिर स्पेसिफिक पॉइंट पर कट करा अब एनसीआरटी में चलते हैं थोड़ा सा इसको रिलेट करते हैं ताकि क्लैरिटी आए देखो तो बच्चों एक तरफ है अपना वेक्टर डीएनए अब वेक्टर डीएनए क्या होता है याद कर लो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया था राइट तो देखो एक तरफ है वेक्टर डीएनए और एक तरफ है अपना क्या फॉरेन डीएनए और इसी फॉरेन डीएनए को बचा लो हम क्या बोलते थे जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या बोलते थे जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलते थे राइट अब देखो आपको यहां पर सिक्वेंस दिख रही होगी जी ए ए टी टी सी जी ए ए टी टी सी दूसरी तरफ भी क्या है जी ए ए टी टी सी जी ए ए टी टी सी इको आरबन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आया यहाँ पर कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आया बच्चों लोग कहां कट करेगा ए और जी के बीच में कट करेगा कट करवाओ इस तरीके का कुछ दिख रहा है कि इसलिए कट करवा रहे क्योंकि अगर आप यहां पर देखो तो कुछ बेसिस अनपेयर्ड है तो अगर हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे तो ये अनपेयर्ड बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे से बाइंड कर जाएंगे और जब वेक्टर के साथ फॉरेन डीएनए को आप जोड़ोगे तो क्या बनेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो यहां पर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही तो बना रहे हैं क्लियर है देखो एक और वन लगाया उसके बाद दोनों के पास एंड्स क्या है हैं अब बच्चों इन दोनों ही फ्रेगमेंट्स को जोड़ना है मुझे तो कौन सा एंजाइम मैं इस्तेमाल करूंगा मैं इस्तेमाल करूंगा डीएनए लाइगेस को कौन सा एंजाइम का मैं इस्तेमाल करूंगा डीएनए इसको, इसको जोड़ा तो एक तरफ वेक्टर डीएनए एक तरफ फॉरेन दोनों जुड़े क्या बन जाएगा रिकॉम्बिनेट डीएनए दोनों डीएनए जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा रिकॉम्बिनेट डीएनए बन जाएगा पॉइंट समझ में आया रिकॉम्बिनेंट डीएनए ने पहले भी बनाया था दोबारा से बना लिया है क्लियर है क्लियर वेरी गुड यस yes, बिल्कुल सही डीएनए लाइगेस हाँ गुड 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 बहुत गुड बहुत बढ़िया ओके okay. देखो मैंने ये बोला है वेक्टर डीएनए है फॉरेन डीएनए ठीक है अब हमें पता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए वेक्टर के अंदर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगाते हैं यानी फॉरेन डीएनए को लगाते हैं तो हमने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से वेक्टर को कट करा और जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करा क्यों क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कुछ अनपेयर्ड बेसिस मिल रहे हैं अब अनपेयर्ड un बेसिस को अगर उसका कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा तो आसानी से क्या हो जाएंगे वो जुड़ जाएंगे तो यही फायदा हुआ देखो ये आसानी से जुड़ गए कौन से एंजाइम ने जोड़ा डीएनए लाइगेस ने और फाइनली हमें क्या मिल गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो एक और तरीका हमने देखा जिसके थ्रू तो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया बट नई इंफॉर्मेशन के साथ स्टिकी एंड्स एंड ब्लंट एंड्स बच्चे पढ़ा रहा हूं रुक जाओ पहले ये पॉइंट समझो क्लियर है ओके okay, अब आगे की कहानी सुनो तो चलो आपने ना दो चीजें देखी यहां पर क्या दो चीजें देखी देखो यहां पर दो तरीके के एंड्स हो सकते हैं एक होता है स्टिकी एंड्स एक होता है स्टिकी एंड्स या फिर इसको लोग कोहेसिव एंड्स भी बोलते हैं या फिर हम क्या बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं कोहेसिव एंड्स क्या मतलब है मतलब यह है देखो जी ए टी टी सी जी ए ए टी टी सी ये इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट है राइट अब इसको देखो ये यहां पर कट करता है उसके बाद क्या मिल रहा है हमें इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो जी सी टी टी ए और इधर क्या मिलेगा ए ए टी टी सी और जी ठीक है अब अगर आप बच्चा लोग यहां पर ध्यान से देखो अगर आप

इसी को हम बोलते हैं स्टिकी एंड्स और कोहेसिव एंड्स तो मतलब कहने का यह है कि इको आर्बन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर कट करता है पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को तो वो जनरेट करता है स्टिकी एंड्स या फिर कोहेसिव एंड्स क्लियर क्लियर बिल्कुल अनपेड यस अनपेड बोल सकते हैं बिल्कुल Clear बच्चा लोग पॉइंट आया और अगर और अगर बच्चों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करे और अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करे बट अनपेयर्ड बेसिस ना मिले ध्यान से सुनना मेरी बात को अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करे और अनपेयर्ड बेसिस ना मिले तो ऐसे एंड्स को बोलते हैं ब्लंट एंड्स ऐसे एंड्स को क्या बोलोगे ब्लंट एंड्स बोलोगे देखो के केस में अगर आप देखो तो जब हिंड टू ने कट करा था इस सीक्वेंस को हिंड टू ने जब इस सीक्वेंस को कट करा था तो देखो यहां पर अगर आप दोनों तरफ बेसिस को देखो अगर यहां पर दोनों तरफ तरफ आप बेसिस बेसिस को देखो तो थे दोनों तो कैसे है कोई भी अनपेयर्ड बेस नहीं था तो ऐसे को क्या बोलेंगे ब्लंट ब्लैंड कहने का मतलब अगर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेस्ट करता है तो या तो मिलेंगे ब्लंट ब्लैंड या फिर मिलेंगे स्टिकी या फिर कोहेसिव एंड्स एग्जांपल के तौर पर कैसे देगा ब्लंट एंड्स और इको आर्बन कैसे बैंड देगा एंड कौन से कोहेसिव या फिर स्टिकी एंड क्लियर यस क्लियर एक बच्चा कह रहा है सेल्फ लाइगेट भी हो सकता है बच्चे बिल्कुल हो सकता है सेल्फ लाइगेट भी हो सकता है और सेल्फ लाइगेट को दूर करने के लिए क्या करेंगे यह भी मैं आपको बताऊंगा डोंट वरी ठीक है पॉइंट समझ में आया सेल्फ लाइगेशन हो सकता है दैट इज पॉसिबल बट उसको भी हम दूर कर सकते हैं कैसे दूर करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे ठीक है अब इसको देखो जरा हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना सीख गए अब एक बार ना जनरल समझते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हमें करना क्या याद है तीन पॉइंट्स लास्ट की क्लास में आपको याद होगा एंड में तीन पॉइंट्स पड़े थे तो उन तीन पॉइंट्स को ना आप डायग्रामेटिकली एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए दोबारा से रिवाइज हो जाए तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे सबसे पहले आप लोग एक डीएनए कैरियर क्यों जीन टैक्सी है ना भाई होस्ट के अंदर अगर होस्ट के अंदर हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को या फॉरेन डीएनए को पहुंचाना है तो कौन पहुंचवाएगा वैक्टर डीएनए तो एक तरफ है वैक्टर डीएनए बच्चों एक तरफ है अपना फॉरेन डीएनए या फिर जीन ऑफ

तो कौन सा एंजाइम इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहां पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं डीएनए लाइगेज को और डीएनए लाइगेस को इस्तेमाल करने की वजह से हमारा बन चुका है यहां पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बहुत बार रिपीट कर चुका हूं रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेट डीएनएस आपको कंफ्यूजन अब नहीं होगी राइट उसके बाद बच्चों इसको होस्ट के अंदर ट्रांसफर करना है तो यहां पर जो ये इकोलाई दिख रहा है आपको यहां पर जो हमें ये इकोलाई दिख रहा है ये क्या है हमारा ये e है बच्चा लोग अपना क्लोनिंग होस्ट मतलब इसमें हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की क्या करेंगे क्लोनिंग करेंगे बट उससे पहले हमें इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा किसके अंदर होस्ट के अंदर तो अब सुन लो ध्यान से अगर होस्ट के अंदर अगर होस्ट के अंदर आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर करना है अगर होस्ट के अंदर हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर करना है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन और हमारा होस्ट बन जाएगा ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट कैसे होता है ट्रांसफॉर्मेशन आगे के लेक्चर में आपको पता चल जाएगा फिलहाल के लिए याद रखना कि फॉरेन डीएनए को चाहे वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्म में समझो, या फॉरेन डीएनए बोलो किसी भी होस्ट के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको ट्रांसफर करना है तो इस प्रोसेस को बोलेंगे बच्चों आगे क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है जब होस्ट डिवाइड कर रहा है तो होस्ट की बहुत सारी क्या बन रही है कॉपी बहुत ध्यान से सुनना

इसी प्रोसेस को बोलते हैं जीन क्लोनिंग ये डायग्रामेटिकली हमने अपने स्टेप्स को यहां पर करा है क्योंकि अब हम एंजाइम्स के बारे में काफी कुछ जान पा चुके हैं, जान जान चुके हैं। राइट? बच्चे, कैसे करेंगे वो ट्रांसफॉर्मेशन के मैथड्स में आपको आगे पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा वेट करो वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्लियर बच्चा लोग चंगा यहां तक चंगा बिल्कुल क्लियर क्लियर कि नहीं बच्चे कॉपीज कितनी भी बन सकती है कितनी भी कॉपीज बन सकती है बिलियन कॉपीज बन सकती है कितनी भी <coughs> क्लियर <coughs> अब आगे कहानी सुनो लास्ट so पॉइंट मैंने ये बोला है कि जब देखो ये होस्ट के अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जा चुका है इसको आप इस तरीके से देख सकते हो कि यहां पर जो अपना होस्ट है यहां पर जो अपना होस्ट है बच्चा लोग उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला गया है उसके अंदर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला गया है तो ये जितना होस्ट मल्टीप्लाई करेगा उतना अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए मल्टीप्लाई करेगा मतलब उतनी उसकी कॉपीज बनेगी यानी उतनी क्लोनिंग होगी ये बोला है मैंने ठीक है क्लियर छुड और राइट अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को मेरी समझना हमने एक बात करी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस तरीके से काम करता है कैसे सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है इसका नॉमन क्लेचर क्या है सब कुछ जान लिया राइट right? बट अब एक बात समझनी है क्या बात समझनी है सर बात बच्चा लोग हमें यह समझनी है कि जरा अगर आप यहां पर आओ इस स्टेप पे आओ इसको ना थोड़ा सा जूम करते हैं इस स्टेप पे आओ इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तो एक बात बताओ जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम निकालते हैं क्या करते हैं हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालते हैं ठीक है ना बात क्लियर है ओके अब सुनो मेरी बात एक ऑर्गेनिज्म है एक ऑर्गेनिज्म है और उसके पास अपना जीनोम है, उसके पास अपना बहुत बड़ा डीएनए है। फिर से सुन लो एक ऑर्गेनिज्म है उसके पास अपना एक बड़ा सा डीएनए अपना बड़ा सा जीनोम है। उस जीनोम के अंदर एक पर्टिकुलर जगह पर होगा जीन ऑफ इंटरेस्ट फिर से एक ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म के पास बड़ा सा डीएनए है बड़ा सा उसका जीनोम है उस जीनोम में एक जगह पर आपको मिलेगा पर्टिकुलर जगह पर मिलेगा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमने यहां पर कट करके निकाला जिसको मैंने यहां पर टिक करा अब एक बार बताओ जब आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इस जीनोम को कट करोगे तो एक जगह पर कट थोड़ी ना करेगा बहुत जगह पर कट करेगा और अगर बहुत जगह पर कट करेगा तो बहुत सारी फ्रेगमेंट मिलेगी बहुत जगह पर कट करेगा तो बहुत सारी फ्रेगमेंट मिलेगी अब उस फ्रेगमेंट में उस फ्रेगमेंट में वो कौन सी पर्टिकुलर फ्रेगमेंट है जहां पर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको सेपरेट करना पड़ेगा पॉइंट समझ में आ रहा है कि इतनी सारी फ्रेगमेंट में से हमें अपनी जो मेन फ्रेगमेंट है जिसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको सेपरेट करना पड़ेगा आइसोलेट करना पड़ेगा तो अब हमें वही समझना है कि वो सेपरेशन और आइसोलेशन हम कैसे करेंगे राइट तो देखो सेपरेशन के लिए वी विल यूज एनदर टेक्निक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बच्चे होस्ट के अंदर डीएनए का रेप्लीकेशन होगा ना डीएनए मल्टीप्लाई करेगा तो उसकी कॉपीज बनेगी ना ये होता है तो क्या बोल रहा हूं मैं कि, कि किस तरीके से वो पर्टिकुलर फ्रेगमेंट हम आइसोलेट करेंगे जिसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा तो उसके लिए हम टेक्निक इस्तेमाल करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से हम सेपरेशन कर सकते हैं या फिर आइसोलेशन कर सकते हैं डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से हम सेपरेशन और आइसोलेशन कर सकते हैं डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट का राइट दोनों द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस रिजल्ट इन दी फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए अगर हम डीएनए को कट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस से अगर हम डीएनए को कट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्स से तो इससे क्या जनरेट होती है बच्चा लोग फ्रेगमेंट जनरेट होती है डीएनए की अब इन फ्रेगमेंट को अगर हमें सेपरेट करना है इन फ्रेगमेंट को अगर हमें सेपरेट करना है तो इसके लिए हम यूज करेंगे टेक्निक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या है देखो जेल मतलब एक मैट्रिक्स हम क्या कर रहे हैं डीएनए की फ्रेगमेंट को सेपरेट कर रहे हैं बच्चों डीएनए की फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए हमें एक एरिया चाहिए एक जगह चाहिए तो उस जगह को हम बोलेंगे मैट्रिक्स उस जगह को हम क्या बोलेंगे मैट्रिक्स और यहां पर जो मैट्रिक्स है वो किस फॉर्म में है जेल फॉर्म में है दूसरी तरफ देख रहे हो वर्ड का नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस ये जो सेपरेशन हो रहा है ये जो सेपरेशन हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो रहा है मैट्रिक्स जेल है और ये जो सेपरेशन हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो रहा है अब बात यह आती है इलेक्ट्रिक फील्ड में हम सेपरेशन क्यों कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में हम सेपरेशन क्यों कर रहे हैं डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है डीएनए क्या होता है नेगेटिवली नेगेटिवली चार्ज चार्ज अब तुम पूछोगे डीएनए क्यों होता है याद करो डीएनए की अगर हम बात करें आपने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो डीएनए का स्ट्रक्चर की बात करें डीएनए होता है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए क्या होता है पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो तीन चीजों से मिलकर बना होता है क्या पेंटोस शुगर नाइट्रोजीनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप पीओ फोर थ्री नेगेटिव बच्चों फॉस्फेट ग्रुप में कितने चार्ज

फॉस्फेट ग्रुप की वजह से कौन से रीजन की वजह से कौन से ग्रुप की वजह से फॉस्फेट ग्रुप की वजह से फॉस्फेट के चार्ज की वजह से फॉस्फेट ग्रुप की वजह से कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग दम टू मूव है पॉजिटिव टर्मिनल एनोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल अब भाई डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे डीएनए कौन से चार्ज की तरफ भागेगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगा पॉजिटिव चार्ज वाला टर्मिनल कौन होता है एनोड नेगेटिव वाला कौन होता है कैथोड ठीक है तो देखो सिंस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स द एनोड अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मीडियम और मैट्रिक्स जो मैं आपको बता रहा था कि जो सेपरेशन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा नेगेटिवली चार्ज है डीएनए पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेगा ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और एक मैट्रिक्स या मीडियम में करेंगे वो कैसा है वो है जेल यहां तक क्लियर है बताओ मुझे यहां तक क्लियर है पॉइंट बताओ यहां तक क्लियर है बच्चा क्लियर यस गुड गुड ठीक है चले ओके ओके आप सुनो मेरी बात ध्यान से पहले बात करते हैं इस मीडियम की और मैट्रिक्स की पहले किसकी बात करेंगे बच्चा लोग इस मीडियम की और मैट्रिक्स की तो ये जो मीडियम या मैट्रिक्स है वो होता है जेल का जो मीडियम मैट्रिक्स होता है वो किसका होता है बच्चा लोग जेल का होता है कौन सी जेल का इस्तेमाल करेंगे हम जेल का कौन सी जेल का इस्तेमाल करेंगे जेल का जो कि क्या होता है बच्चा लोग जो कि होता है नेचुरल पॉलीमर नेचुरल पॉलीमर होता है और इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं -वीड में से

जेलिडियम और ग्रेसिल एरिया दो रेड एल होते हैं वो बनाते हैं एगार और एगार एगार से हम बना सकते हैं एगरोस तो ये सीवीड वही है क्लियर यहां तक क्लियर है अब करना क्या है उस बात को समझो करना क्या है उस बात को समझो रिजोल्व और सेपरेशन जो होता है बच्चा लोग ये जो रिजोल्व या फिर सेपरेशन होता है किसके बेसिस पे होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज अब पहले समझ लो प्रिंसिपल समझ लो क्या कि ये जो रिजोल्व होगा मतलब जो सेपरेट होंगी फ्रेगमेंट्स वो किस बेसिस पे होता है साइज के बेसिस पे किस बेसिस पे होगा साइज के बेसिस पे होगा और साइज का बेसिस क्या है सीविंग इफेक्ट ये जो रिजॉल्व होंगे जो सेपरेशन होगा वह किस बेसिस पे होगा साइज के बेसिस पे और प्रिंसिपल क्या है सीविंग इफेक्ट प्रिंसिपल क्या है सीविंग इफेक्ट अब वो भी मैं बता देता हूं क्या है Smaller the fragment size, farther it moves. अब ये जो मैंने लिख दिया ना इसको समझते हैं? सुनो मेरी बात को ध्यान से मैट्रिक्स मतलब बच्चे कोई एरिया जहां पर हम करेंगे अब सुनना मेरी बात को ध्यान से ये जो हम सेपरेशन कर रहे हैं बच्चों ये जो हम सेपरेशन कर रहे हैं वो साइज के बेसिस पर कर रहे हैं ये जो सेपरेशन हम कर रहे हैं साइज के बेसिस पर कर रहे हैं और प्रिंसिपल क्या है सीविंग इफेक्ट प्रिंसिपल क्या होता है सीविंग इफेक्ट उसका मतलब समझ लो बच्चों सीविंग मतलब क्या होता है सीविंग मतलब होता है पोर्ट सीविंग मतलब क्या होता है पोर्ट्स एग्रोस की जो जेल होती है बच्चों एग्रोस की जो जेल होती है उसमें होते हैं छोटे छोटे पोर्ट्स एग्रोस की जेल में क्या होते हैं पोर्ट्स अब देखो डीएनए फ्रेगमेंट्स की बात करें तो कुछ फ्रेगमेंट होगी बड़ी कुछ फ्रेगमेंट्स होंगी छोटी पॉइंट सुन लो ध्यान से सीविंग इफेक्ट को समझ रहे हैं हम

अब उस पोर में कुछ फ्रेगमेंट बहुत तेज रन करेंगी कुछ फ्रेगमेंट बहुत स्लोली रन करेंगी जो छोटी फ्रेगमेंट्स होती है जो छोटी फ्रेगमेंट होती है बहुत तेज रन करती है जो बड़ी फ्रेगमेंट होगी बच्चा लोग वो फ्रिक्शन की वजह से जो बड़ी फ्रेगमेंट होगी वो तो फ्रिक्शन की वजह से ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगी इसलिए लिखा गया स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज फार इट मूव मैं फिर से रिपीट कर देता हूं मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर जो मेट्रिक्स अपना है वो जेल का जेल कौन सी होती है एगोरोस जेल जेल के अंदर होते हैं ठीक है और ऐसा क्यों है? क्योंकि कुछ फ्रेगमेंट का साइज बड़ा है कुछ फ्रेगमेंट का साइज छोटा है जो छोटी फ्रेगमेंट होगी वो पोर साइज के अंदर बहुत आसानी से रन करेंगी बट जो बड़ी फ्रेगमेंट होगी वो फ्रिक्शन की वजह से ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगी मतलब कहने का सा ये है कि अगर प्रिंसिपल को देखें सीविंग इफेक्ट को तो जो छोटी फ्रेगमेंट होगी वो बहुत दूर तक जाएगी जो बड़ी फ्रेगमेंट होगी वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी क्लियर यस क्लियर है समझ में आया बोलो साइज का और सीविंग इफेक्ट वाला प्रिंसिपल समझ में आया कि नहीं आया बताओ फ्रैगमेंट्स की स्पीड डिफरेंट नहीं होती बच्चे पोर साइज में जो छोटी फ्रेगमेंट होगी वो आसानी से निकल जाएगी अरे भाई एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखो ना फॉर एग्जाम्पल आपके पास पाइप है छोटे छोटे पाइप्स है और आप उसमें बॉल्स को डाल रहे हो तो जो छोटी बॉल्स होंगी वो आसानी से निकल जाएंगी जो बड़ी बॉल्स होंगी वो बीच में अटक जाएंगी तो छोटी फ्रेगमेंट बहुत दूर तक चली गई छोटी बॉल बहुत दूर तक चली गई बड़ी बॉल बहुत दूर तक नहीं जा पाई थोड़ा सा चलने के बाद रुक गई क्लियर अब देखो इसको समझते हैं ये हमें एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरिस का क्या दे रखा है इमेज दे रखा है एग्रोस जेल इलेक्ट्रो की बच्चा लोग ये अपने को क्या दे रखी है इमेज दे रखी है राइट देखो अब इसमें एक तरफ है कैथोड इसमें एक तरफ है बच्चा लोग कैथोड और कैथोड कैसा होता है कैथोड होता है नेगेटिव टर्मिनल कैथोड कैसा टर्मिनल होगा नेगेटिव टर्मिनल होगा तो एनोड कैसा हो जाएगा बच्चों एनोड हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल ठीक है और ये क्या है अपनी ये है अपनी एग्रोज की जेल यानी अपना मैट्रिक्स अब देखो यहां पर आपको टर्म दिख रहा होगा वेल अब वेल का मतलब यहां पर कुआ नहीं है वेल का मतलब यहां पर छोटे छोटे से हम डिप्रेशन बनाते हैं मतलब जैसे अगर आप इसको अगर मैं विजुअलाइज करके बनाऊं अगर मैं इसको विजुअलाइज करके यहां पर आपको बना के दिखाऊं तो आप इस तरीके से समझो कि ये जेल कुछ इस तरीके से होती है पॉइंट समझ में आ रहे तो ये बच्चों वो वेल है ये वेल है जहां पर हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को लोड करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स आर लोडेड हेयर डीएनए फ्रेगमेंट्स को बच्चा लोग हम यहीं पर लोड करते हैं इस जगह पर तो ये वेल well इस तरीके का होता है तो कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है ये अपनी एग्रोस की जेल है और वेल well बना रखे हमने कैथोड साइड पर वेल well बना रखे हमने कैथोड साइड पर कैथोड साइड पर मैंने वेल क्यों बना रखा है क्योंकि देखो कैथोड नेगेटिव डीएनए नेगेटिव कैथोड नेगेटिव डीएनए नेगेटिव रिपल्शन होगा कैथोड नेगेटिव डीएनए नेगेटिव क्या होगा रिपल्शन डीएनए को धक्का मिलेगा और किसकी तरफ भागना शुरू होगा डीएनए एनोड की तरफ फिर से देखो कैथोड की तरफ वेल well बनाए यहां पर हम डीएनए के सैंपल को लोड करेंगे यहां पर हम डीएनए के सैंपल को क्या कर रहे हैं लोड कर रहे हैं इस जगह पर ठीक है नेगेटिव नेगेटिव डीएनए नेगेटिव कैथोड नेगेटिव क्या होगा रिपल्शन होगा धक्का दिया जाएगा और डीएनए की जो फ्रेगमेंट से किधर भाग रही है बच्चों एनोड की तरफ भाग रही है डीएनए की जो फ्रेगमेंट से किधर की तरफ भाग रही है एनोड की तरफ भाग रही है पॉइंट समझ में आया किसकी तरफ भाग रही है एनोड की तरफ भाग रही है राइट right? अब देखो जो छोटी फ्रेगमेंट होगी वो बहुत दूर तक जाएगी जो बड़ी फ्रेगमेंट होगी वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी किसकी वजह से ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज और ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि सीविंग इफेक्ट जेल का ऐसा करवा रहा है तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन बच्चा लोग यह है कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंशन कर दू ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी तो स्मॉलर फ्रेगमेंट आपको किस साइड पर मिल रही है पॉइंट बी वाले एरिया में मतलब ये जो फ्रेगमेंट है यहां पर यह कैसी है स्मॉलेस्ट है बहुत दूर तक भाग के गई है और जो बड़ी फ्रेगमेंट होगी वो हमें किस साइड पर मिलेगी इस साइड पर मिलेगी क्लियर है बोलो बिल्कुल बी के साइड में मिलेगा बिल्कुल सही बात है क्लियर है बात तो देखो इस, इस प्रोसेस की मदद से इस प्रोसेस की मदद से हम आइसोलेट कर सकते हैं अपनी डीएनए फ्रेगमेंट को जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा इस प्रोसेस की मदद से हम आइसोलेट कर सकते हैं किसको आइसोलेट करेंगे वो डीएनए फ्रेगमेंट को जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा राइट right? हाँ आप बच्चे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में एगोरोस जेल को ही इस्तेमाल करते हैं पहले पहले सेपरेशन करते हैं फिर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करते हैं बट बीच में ब्लॉटिंग भी होता है एक प्रोसेस ऑल राइट यहां तक बात क्लियर है बट अभी आगे की कहानी सुन लो पहले पूरी बात हुई नहीं है अब डीएनए का सेपरेशन तो कर दिया आपने लेकिन बच्चों डीएनए को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते डीएनए का सेपरेशन तो हमने कर लिया लेकिन डीएनए को हम देख नहीं सकते तो डीएनए को स्टेन करना पड़ेगा अब आप आपको स्टेन क्यों करना है एक बात याद करो ना जब सेल के अंदर का हमें स्ट्रक्चर देखना होता था याद करो अनियन पील की आपने स्लाइड बनाई होगी तो जब आपको वो स्ट्रक्चर देखना है तो आप क्या करते हो स्टेनिंग करते हो डाइज का इस्तेमाल करते हो तो सिमिलरली डीएनए को यहां पर जेल में विजुअलाइज करने के लिए उसे क्या करेंगे स्टेन करेंगे तो डीएनए की स्टेनिंग किससे होगी डीएनए इज स्टेन विद इथीडियम ब्रोमाइड बच्चों इथीडियम ब्रोमाइड डाई का इस्तेमाल करते हैं इथीडियम ब्रोमाइड क्या है यहां पर डाई है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं इसका इस्तेमाल कर रहे हैं इथीडियम ब्रोमाइड डाई का तो डीएनए को किससे स्टेन करेंगे इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करेंगे और उसके बाद यूवी रेडिएशन डालेंगे डीएनए के ऊपर उसके बाद क्या डालेंगे बच्चा लोग यूवी रेडिएशन डालेंगे डीएनए के ऊपर डीएनए को हम ने डाखों से नहीं देख सकते तो इसी रीजन की वजह से हम डीएनए को क्या करते हैं स्टेन करते हैं डीएनए को स्टेन करने के लिए क्या यूज करेंगे इथिडियम ब्रोमाइड डाई का इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद इस पर यूवी रेडिएशन डालते हैं डीएनए को स्टेन करा इथिडियम ब्रोमाइड से उसके बाद उस पर डाली यूवी रेडिएशन ऐसा करने की वजह से डीएनए कैसा दिखता है ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड दिखते हैं कैसे बैंड दिखेंगे बच्चा लोग ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड दिखेंगे क्लियर कट नहीं करते स्टेनिंग पहले ही कर देते हैं तो कैसे डीएनए के बैंड दिखेंगे ब्राइट ऑरेंज कलर के डीएनए के बैंड दिखेंगे अब इसको पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता था कि डीएनए कैसे स्टेन हो रहा है तो देखो याद करो ऐसा कुछ था डीएनए डबल हेलिक्स और ये क्या थे बच्चों बेस पेयर्स थे डीएनए को अगर आप याद करो तो डीएनए डबल हेलिक्स था और ये क्या थे बेस पेयर्स राइट तो जो इथीडियम ब्रोमाइड होता है ना उसे हम बोलते हैं इंटरकैलेटिंग एजेंट इथीडियम ब्रोमाइड को क्या बोलते हैं ब्रोमाइड ब्रोमाइड को बोलते बोलते हैं हैं बच्चों यानी ईटीबीआर शॉर्ट में इसको बोलते हैं इंटर कैलेटिंग एजेंट इंटर कैलेटिंग मतलब जो बीच में जाकर लग जाए जो बीच में जाकर लग जाए क्योंकि जो इथीडियम ब्रोमाइड होता है ना वो यहां पर लगता है डीएनए के दो बेस पेयर के बीच में जाकर ये चिपक जाता है किस तरीके से डीएनए स्टेन होता है थिडियम ब्रोमाइड जो होता है वो डीएनए के दो बेस्पेयर के बीच में जुड़ जाता है कहां पर जुड़ रहा है डीएनए के दो बेस्पेयर के बीच में इसलिए बोलते हैं इंटरकेलेटिंग दो के बीच में कहां पर बिटवीन टू बेस्पेयर बिटवीन टू बेस्पेयर के बीच में जाकर ये जुड़ता है पॉइंट क्लियर है प्रोब का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे बच्चे तो डीएनए क्या है इंटरकेलेटिंग एजेंट है क्यों ये बोलना। होता है ये दो डीएनए के, के बीच में जाकर बाइंड करता है तो ये आपको लोकेशन पता चल गई ऑरेंज तो कलर के बैंड मिल जाएंगे ठीक है उसके बाद जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट फॉर एग्जाम्पल बच्चा लोग अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ये वाला है ये वो फ्रेगमेंट है जिसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है ओ आई है तो इस जगह पर हम जेल को कट करके क्या बोल रहा हूं मैं फॉर एग्जाम्पल अपनी ये वो सेगमेंट है फॉर एग्जाम्पल अपनी ये वो सेगमेंट है जिसमें ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है तो इस वाले एरिया में जहां पर ये अपना बैंड आ रहा है यहां पर हम क्या करेंगे जेल को कट करेंगे और डीएनए को बाहर निकालेंगे जेल को कट करेंगे और डीएनए को बाहर निकालेंगे जेल इज कट अराउंड जेड इज कट अराउंड बैंड हैविंग जीन ऑफ इंटरेस्ट जेल को हमने क्या करा कट करा अराउंड बैंड हैविंग जीन ऑफ इंटरेस्ट और इस मेथड को बोलते हैं इल्यूशन क्या बोलते हैं इसको इल्यूशन क्या बोलते हैं इसको इल्यूशन इल्यूशन का मतलब क्या है कि वो जेल का पोर्शन जहां पर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है या वो डीएनए की फ्रेगमेंट जहां पर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है उस एरिया में हम जेल को कट करते हैं और उसको बाहर निकाल लेते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं इल्यूशन क्या बोलते हैं इसको इल्यूशन क्लियर डाई बच्चे जो स्टेन करता है डाई क्या होता है जो स्टेन करता है पॉइंट क्लियर है बच्चा लोग अब एक ना बात को आप समझ लो क्या बात समझनी है सर हमें एक बात बच्चा लोग यह समझनी है कि हमें कैसे पता चलेगा देखो हमने सेपरेशन कर लिया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से हमने सेपरेशन कर लिया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से हमने सेपरेशन कर लिया लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी फ्रेगमेंट है जिसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा तो पता है एक वेल में एक वेल में हम रन करते हैं एक वेल में हम रन करते हैं लैडर को एक वेल में हम किसको रन करते हैं लैडर को इसको रन कर रहे हैं लैडर को कर रहे हैं मतलब क्या है मतलब ये है देखो ये जेल हो गई और ये वेल हो गए ये जेल हो गई ये वेल हो गए ये वेल हो गए बच्चों और इधर क्या है अपना इधर है अपना कैथोड और इधर क्या हो जाएगा बच्चा लोग अपना एनोड ठीक है एक वेल well में बच्चा लोग हम रन करते हैं लैडर अब बात आती है लैडर क्या होता है लैडर मतलब सीढ़ी क्योंकि जब देखो डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट करेंगी तो कुछ वो ऐसे सीडी जैसे दिखती है इस तरीके से तो इसलिए इसको लैडर बोलते हैं और इसके अंदर होती है बच्चों नॉन डीएनए फ्रेगमेंट्स लैडर के अंदर क्या होता है बच्चों लैडर के अंदर होती है नॉन डीएनए फ्रेगमेंट्स लैडर के अंदर क्या होगी नॉन डीएनए फ्रेगमेंट्स ठीक है और इनके ना मोलिकुलर वेट हमें पता होते हैं इनके जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हमें क्या होते हैं पता होते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो फॉर एग्जाम्पल इस वाली फ्रेगमेंट का वेट है फोर हंड्रेड के डी किलो डाल्टन इस तरीके से इसका फॉर एग्जाम्पल बच्चों फॉर एग्जाम्पल थ्री हंड्रेड है एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट वाले का दो सौ है उसके बाद वाली का हंड्रेड है और लास्ट वाली का फिफ्टी है ठीक है लैडर का मतलब क्या होता है लैडर क्योंकि जब डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट होते हैं ये सीढ़ी जैसा नजर आता है आपको और लैडर के अंदर होती है नॉन डीएनए फ्रेगमेंट है आपको नॉन नॉन डीएनए डीएनए मिल रही है मिल रही है क्लियर बात तो अब इसके अंदर है जिनका हमें मोलिकुलर वेट पता है अब हमें पता है कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उस सेगमेंट का मॉलिकुलर वेट इतना होगा एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है उसका होगा अराउंड एटी जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जीन जिसका जो मॉलिकुलर वेट है वो हमें पता है कितना हो जाएगा वो फॉर एग्जांपल 80 किलो डाल्टन है फॉर एग्जांपल हमें पता है वो मतलब देखो अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका बैंड आपको यहां पर 100 और 50 के बीच में कहीं देखने को मिलेगा इस जगह पर तो इस बेसिस पर आप पता लगाओगे कि भाई ये वो फ्रेगमेंट है जिसके पास अपना क्या है जीन ऑफ इंटरेस्ट है यानी ये क्या हो जाएगी डिजायरेबल डीएनए फ्रेगमेंट यानी क्या हो जाएगी ये डिजायरेबल डीएनए फ्रेगमेंट पॉइंट समझ में आया जीन ऑफ इंटरेस्ट जिस फ्रेगमेंट में होगा उसका मॉलिकुलर वेट हमें पता है और हमने लैडर को रन करा तो लैडर के साथ हम कंपैरिजन करेंगे तो देखो इसके आसपास हमें दिख रहा है ये अब ये देखो ये फिफ्टी या हंड्रेड इन दोनों के बीच में क्या होगा एट्टी किलो डाल्टन का होगा तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं कि कौन सी डीएनए की फ्रेगमेंट है जिसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा ये फाइनल चीज भी आप समझोगे तभी आपको प्रॉपर पूरा समझ में आएगा क्लियर समझ में आया पॉइंट बच्चे आज की क्लास में क्वेश्चन नहीं करूंगा नेक्स्ट क्लास में करोगा क्योंकि आज के टॉपिक थोड़े से बड़े हैं मैंने आपको पहले बोला था आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी रहेगी क्लियर समझ में आया तो ये थोड़ा सा एनसीईआरटी से आउट था बट समझाने के लिए था किस तरीके से आप पता लगाते हो वापस आ जाओ ठीक है अब इसके बाद हम चलते हैं आगे तो बच्चा लोग नेक्स्ट हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लोनिंग वैक्टर्स ज्यादा तो आज हम नहीं पढ़ पाएंगे क्लास के टाइमिंग की वजह से लेकिन थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं अबाउट क्लोनिंग वैक्टर राइट right? अब देखो क्लोनिंग वैक्टर क्लोनिंग वैक्टर अब वैक्टर से आपके दिमाग में क्या आता है याद याद करो मलेरिया के लिए मलेरिया के लिए कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन होता है प्लाज्मोडियम होता है लेकिन उस प्लाज्मोडियम को ह्यूमन में कौन पहुंचाता है पहुंचाता है, मतलब वो कैरियर है इसी तरीके से हमारा जो डिजायरेबल डीएनए फ्रेगमेंट होता है इसी तरीके से बच्चों जो हमारा फ्रेगमेंट होता है क्या बोल रहा हूं मैं? इसी तरीके से जो हमारा डिजायरेबल डीएनए फ्रेगमेंट होता है उसको ट्रांसफर करने के लिए एक कैरियर होता है जिसको हम बोलते हैं वैक्टर इसीलिए पता है वैक्टर को हम जीन टैक्सी भी बोल देते हैं जीन टैक्सी बोल दो या फिर बोल सकते हैं क्या है इसको या फिर बच्चा लोग हम बोल सकते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट कैरियर या फिर हम क्या बोल सकते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट कैरियर तो वेक्टर का मतलब जीन टैक्सी क्योंकि ये फॉरेन जीन को डिजायरेबल जीन को कैरी करेगी या जीन ऑफ इंटरेस्ट कैरियर और क्लोनिंग वेक्टर क्यों बोल रहे क्योंकि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या जो डिजायरेबल डीएनए फ्रेगमेंट है उसकी क्लोनिंग में ये हमारी मदद करता है राइट अब एक बात को समझना मेरी सिंपल सी एक बात को समझना एक वैक्टर है कंपेरिजन के तौर पर समझो तो ये आपको स्टेटमेंट सारी समझ में आ जाएगी बच्चो तो एक वैक्टर है जो होस्ट के अंदर बहुत जल्दी डिवाइड करता है एक वेक्टर है जो होस्ट के अंदर बहुत जल्दी डिवाइड करता है अपनी कॉपीज बना लेता है बहुत ज्यादा एक दूसरा वेक्टर है जो होस्ट के अंदर डिवाइड करता है स्लोली करता है तो एक बात बताओ कौन से वेक्टर को आप चूज करोगे जो होस्ट के अंदर बहुत तेजते डिवाइड कर रहा है या जो होस्ट के अंदर स्लोली डिवाइड कर रहा है किससे आपको जीन क्लोनिंग में ज्यादा फायदा होगा बताओ मेरे को चैट बॉक्स में बताओ मेरे को बताओ बताओ सोचो थोड़ा बताइए जनाब पास्ट वाले से बिल्कुल सही बात अब इसी को ना समझते हैं किसकी फॉर्म में लैंग्वेज की फॉर्म में ठीक है जो तो जो क्लोनिंग वेक्टर वेक्टर की बात कर कर रहे हैं हम राइट आसानी से होस्ट के अंदर चला जाए और अपने आप को एक्सप्रेस पाए ठीक है अब देखो अगर फॉर एग्जाम्पल आपका होस्ट है होस्टो छोटी फॉर्म से समझते हैं ना अगर हम कोई भी प्रोसेस करते हैं तो हम छोटे लेवल पे करते हैं हम सीधा बड़े लेवल पे नहीं चले जाते हम पहले छोटे लेवल पे करते हैं फिर हम बड़े लेवल पे मूव करते हैं ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं है क्या बोल रहा हूं मैं मैं बोल रहा हूं कोई भी प्रोसेस को अगर हम स्टार्ट करेंगे पहले माइक्रो लेवल पे करेंगे फिर बड़े लेवल पे करेंगे राइट right, तो पहले बैक्टीरिया सेल ले लो सबसे सिंपलेस्ट सेल कौन सी होगी बैक्टीरिया सेल प्रो कैरियोटिक सेल और प्रो कैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रो कैरियोटिक सेल के अंदर आपने पढ़ा था क्या एक ऑटोनोमस सर्क्यूलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है एक ऑटोनोमस सर्क्यूलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है क्या बोलते हैं उसको प्लाज्मिड और प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट भी होता है और बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करता है पहली चीज

तो एक तो मैंने जो फास्ट और स्लो वाली बात करी थी एक वो और इन दोनों को आप जोड़ के आओ इधर समझते हैं देखो ध्यान से प्लाज्मिट्स एंड बैक्टीरियो फाजिस प्लाज्मिट्स एंड बैक्टीरियो फाजिस हैव एबिलिटी टू रेप्लीकेट प्लाज्मिट और बैक्टीरियो फाज के पास बच्चों प्लाज्मिट और बैक्टीरियो फाज के पास एबिलिटी होती है कि वो रेप्लीकेट कर सकते हैं बैक्टीरियल सेल्स में वो रेप्लीकेट कर सकते हैं बैक्टीरियल सेल्स में इंडिपेंडेंटली ये इंडिपेंडेंटली क्यों कर सकते बैक्टीरियल or so, सेल्स के अंदर इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ डीएनए कैसे कर सकते हैं राइट तो right? so, इसी एबिलिटी को हमें यूटिलाइज कर रहा है इसी एबिलिटी को यूटिलाइज करके हम इनसे बनाएंगे क्लोनिंग वैक्टर क्लियर पॉइंट अब देखो इज बिकॉज ऑफ देयर हाई कॉपी नंबर बच्चों हाई कॉपी नंबर पर सेल का मतलब क्या सेल के अंदर गया अपनी बहुत सारी कॉपीज बना ली फास्ट वाले याद करो बैक्टीरियो फाच हाई कॉपी नंबर का मतलब क्या है ये जो लिखा है ना हाई नंबर पर सेल हाई नंबर पर सेल को इसको ना बच्चा लोग हम हाई कॉपी नंबर भी बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं हाई कॉपी नंबर क्या बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं हाई कॉपी नंबर मतलब होस्ट के अंदर गया बहुत डिवाइड करे अपनी बहुत सारी कॉपीज बना ली तो मतलब अगर हमने इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे तो उसकी बहुत सारी क्या बन जाएंगी कॉपीज बैक्टीरियजेस बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल हैव वेरी हाई कॉपी है ऑफ देयर जीनोम विद इन दी बैक्टीरियल सेल्स ठीक है सिंस बहुत जल्दी डिवाइड करेंगे तो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर क्या बना लेंगे अपनी बहुत सारी कॉपी बना लेंगे सिमिलरली कुछ प्लाजमेट के कि वन और दो ही कॉपी होते हैं सिमिलरली कुछ प्लाजमेट की एक या दो कॉपी होती है लेकिन कुछ अदर होते हैं जिनकी पंद्रह से सौ कॉपीज पर सेल भी हो सकती है तो यहां पर जो पंद्रह से सौ कॉपी पर सेल वाला है तो यहां पर जो पंद्रह से सौ कॉपीज पर सेल वाला ये कौन सा ये हाई कॉपी नंबर वाला प्लाजमेट है तो हाई कॉपी नंबर वाला प्लाजमेट चूज करेंगे या हाई कॉपी नंबर वाला अगर बैक्टीरिय चूज करेंगे तो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट की क्लोनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था तो बताओ ये दोनों स्टेटमेंट वैल्यू और दूसरी क्लियर है कि नहीं बताओ क्लियर बताओ बच्चा चलो क्लियर है ओके नवनीत गुड समझ में आया कि हम बैक्टीरियो फाज और प्लास्मिट को इसलिए चूज कर रहे हैं कि प्लास्मिट भी ऐसे होते हैं जिनके कुछ हाई कॉपी नंबर देखो दो वाले दो टाइप के होते हैं लो कॉपी नंबर जिनकी एक से दो कॉपी होती है और एक हाई कॉपी नंबर प्लास्मिट जिसकी पंद्रह से सौ कॉपी होती है तो हम उसको चूज करेंगे और बैक्टीरियो मोस्टली क्या है वायरस है वायरस क्या करता है होस्ट मशीनरी का इस्तेमाल करके खुद को मल्टीप्लाई करता है तो यह भी जाकर बहुत डिवाइड करेगा हाई कॉपीज बनाएगा तो कहने का सिंपल सा मतलब यह है प्लाजमिड या बैक्टीरियोफाज वो चूज करो जिसका हाई कॉपी नंबर हो मतलब जो सेल के अंदर बहुत जल्दी डिवाइड करे बहुत सारी कॉपीज बनाए क्योंकि जीन क्लोनिंग उतनी ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगी क्योंकि जीन ऑफ इंटरेस्ट की उतनी ज्यादा मल्टीपल कॉपीज बन जाएगी राइट right? <coughs> बच्चे सेकंड पॉइंट मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन करा क्या बोला मैंने हाई कॉपी नंबर का मतलब है कि जो उसका नंबर होगा सेल के अंदर ज्यादा होगा अरे भाई सिंपल सी भाषा का ये मतलब है ये एक बैक्टीरिया है और यह दूसरा बैक्टीरिया है ठीक है बच्चा लोग इधर मैं दिखा रहा हूं लो कॉपी नंबर इधर मैं लो कॉपी नंबर को दिखा रहा हूं बच्चा लोग इधर मैं दिखा रहा हूं हाई कॉपी नंबर को देखो लो कॉपी नंबर एक दो हाई कॉपी नंबर

तो उस वेक्टर को चूज करना बेनिफिशियल है ना जो आसानी से अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगा ले उस वेक्टर को चूज करना बेनिफिशियल है ना जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को अपने अंदर लगा ले पहली चीज और उसके बाद बच्चों सेलेक्शन में मदद करे किसको रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स देखो वैक्टर यूज एट प्रेजेंट आर इंजीनियर्ड इन दैट दे हेल्प इन ईजी लिंकिंग ऑफ फॉर इन डी एन ए फॉर इन डी एन ए को वो आसानी से लिंक कर ले और सिलेक्शन में मदद करे रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट अब आप क्वेश्चन पूछोगे सर रिकॉम्बिनेंट कौन और नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन देखो अब आज तो टाइम बचा नहीं है तो इसको आज तो डिटेल में नहीं पढ़ेंगे बट नेक्स्ट लेक्चर में फोर श्योर sure, आपको ये टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे क्योंकि मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा लेकिन आज ही बता देता हूं बच्चों रिकॉम्बिनेंट वो होस्ट होता है रिकॉम्बिनेंट वो होस्ट होता है जिसने रिसीव करा होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिकॉम्बिनेंट वो होस्ट होगा रिकॉम्बिनेंट बच्चा लोग वो होस्ट होगा जो रिसीव करेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिकॉम्बिनेंट वो होस्ट होगा जो रिसीव करेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए और नॉन रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट वो होस्ट होगा जो रिसीव नहीं कर पाएगा क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट डोंट रिसीव रिकॉम्बिनेंट ईन ए क्लियर बच्चा लोग यस yes. बताओ क्लियर है कि नहीं है बताओ मेरे को रंगा पॉइंट्स क्लियर ओके okay. ओके okay, चलो अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अबाउट द क्लोनिंग वेक्टर बच्चों क्लोनिंग वेक्टर होने के लिए क्लोनिंग वेक्टर होने के लिए उसके पास कुछ स्पेसिफल फीचर होने चाहिए या स्पेसिफिक फीचर होने चाहिए बस इतना ही करेंगे आज मैं देखो कैसे देखो अभी हमने बात पढ़ी कि वेक्टर वो होता है जो आसानी से डीएनए को अपने अंदर लगा ले वेक्टर वो होता है जो आसानी से फॉरेन डीएनए को अपने अंदर लगा ले और जो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के सिलेक्शन में हमारी मदद करे तो सेलेक्शन कैसे करते हैं रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट का ये मैं आज नहीं करवा रहा हूं क्योंकि टाइम कम बचा नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा लेकिन क्लोनिंग वैक्टर के लिए कौन से स्पेसिफिक फीचर होने चाहिए उसको जरूर हम डिस्कस करेंगे उसमें से आप कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो देखो फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इन टू अ वैक्टर कौन से फीचर होने चाहिए ताकि हम क्या कर सके बच्चों क्लोनिंग को फैसिलिटेट कर पाए एक वेक्टर के अंदर देखो ऑरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन अब ऑरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन क्या होती है बच्चों वो सिक्वेंस जहां से रेप्लीकेशन स्टार्ट होता है सिक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लीकेशन स्टार्ट बच्चों ये वो सिक्वेंस है जहां से क्या स्टार्ट होगा रेप्लीकेशन स्टार्ट होगा अपना राइट right? ये वो सीक्वेंस है जहां से अपना क्या स्टार्ट होगा रेप्लीकेशन स्टार्ट होगा और अगर बच्चों एनी एनी पीस एनी पीस ऑफ ऑफ डीएनए डीएनए का मतलब क्या है जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर हम इसके साथ लिंक कर देंगे तो क्या होगा वो भी रेप्लीकेट होगा होस्ट सेल के अंदर याद है पढ़ा था पिछली क्लास में ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन का मतलब वो सिक्वेंस जहां से रेप्लीकेशन स्टार्ट होगा और अगर हम एनी पीस ऑफ डीएनए एनी पीस ऑफ डीएनए का मतलब है अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसके साथ लगा देंगे तो क्या होगा होस्ट सेल के अंदर वो रेप्लीकेट करेगा राइट तो अब एक क्वेश्चन है मेरा छोटा सा इफ अ प्लाजमेड सपोर्ट्स हाई कॉपी नंबर एक क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए कॉपी नंबर देखो क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन ये है एक प्लाज्मिड है मेरे पास एक क्वेश्चन क्या है हमारे पास तो पहले एक चीज क्या समझिए आपने क्लोनिंग वेक्टर में आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो क्लोनिंग वेक्टर में या तो प्लाज्मिड्स का इस्तेमाल कर सकते हो या बैक्टीरियो का क्लोनिंग वेक्टर में किसका इस्तेमाल कर सकते हो प्लाज्मिड का या फिर बैक्टीरियज का फिलहाल हम पढ़ रहे हैं प्लाज्मिड एज अ क्लोनिंग वैक्टर जैसे आप देख सकते हो यहां पर एक प्लाज्मिड है जो तो कि क्लोनिंग वैक्टर की तरह काम कर रहे हैं तो मैं पूछ रहा हूं एक प्लाज्मिड है जिसकी जो ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन है बच्चों एक प्लाजमिट है जिसकी जो ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन है वो सपोर्ट करती है हाई कॉपी नंबर एक plasmid है जिसकी ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करती है तो इट इज बेनिफिशियल फॉर क्लोनिंग और नॉट बताओ ये बेनिफिशियल होगा क्लोनिंग में इस्तेमाल करने में या नहीं यस इट इज बेनिफिशियल फॉर क्लोनिंग और नॉट बताओ बताओ बिल्कुल तो ये जीन क्लोनिंग के लिए बेनिफिशियल होगा ये जीन क्लोनिंग के लिए क्या होगा बेनिफिशियल होगा मतलब कहने का सिंपल ये है कि अगर एक प्लाज्मिट के पास ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन है जो हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट कर रही है तो अगर हम इस प्लाजमिट के साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगाएंगे फिर से सुन लो मेरी बात मैं बोल रहा हूं एक प्लाजमिट है जिसकी ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन सपोर्ट कर रही है हाई कॉपी नंबर को तो अगर उस प्लाज्मिट के साथ हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगाएंगे तो जीन क्लोनिंग बहुत एफिशियंट हो जाएगी बहुत आसान हो जाएगी

आपके पास रजिस्टर होता है उसमें स्टिकी नोट्स लगाते हो ताकि आपको पता चल जाए कौन सा चैप्टर कहां पर है या कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है तो मतलब मार्कर से क्या फायदा होता है मार्कर से हम मार्क कर रहे हैं एक पर्टिकुलर चीज को सेलेक्टेबल मार्कर सेलेक्टेबल मार्कर यानी ये वो मार्कर है जो किसी चीज को सेलेक्ट करने में मदद कर रहा है यानी ये वो मार्कर है जो किसी चीज को सेलेक्ट करने में हमारी मदद कर रहा है राइट right? मतलब क्या है वैक्टर रिक्वायर्सेबल मार्कर विच हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेलेक्टेबल मार्कर से क्या फायदा है बच्चों सेलेक्टेबल मार्कर की वजह से हम क्या कर सकते हैं हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एलिमिनेट कर सकते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को सेलेक्टेबल मार्कर की वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एलिमिनेट कर सकते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट अब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या होते हैं बच्चों नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वो ऑर्गेनिजम्स है जो फॉरेन डीएनए को रिसीव ही नहीं कर पाते दोनिज विच डू नॉट रिसीव एनी फॉर डीएनए दोन ऑफ इंटरेस्ट आर नोन एज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्योंकि हमें ऐसे होस्ट से कोई फायदा ही नहीं है हमें वो होस्ट चाहिए जिसके पास होंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब क्या है मतलब यह है देखो हम सेलेक्ट करेंगे सेलेक्शन करते हैं किसका सिलेक्शन करेंगे हम ट्रांसफॉर्मेंट्स का सेलेक्शन करेंगे बस चलो किसका करेंगे ट्रांसफॉर्मेंट्स का सिलेक्शन करेंगे किसका सिलेक्शन करेंगे हम ट्रांसफॉर्मेंट्स का सिलेक्शन करेंगे क्यों पोस्ट कैरिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट तो जिन ऑर्गेनिजम के पास बच्चा लोग जिन ऑर्गेनिज्म के पास जिन ऑर्गेनिज्म बोलू होस्ट जिनके पास अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा उनको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स तो देखो सेलेक्टेबल मार्कर से क्या सेलेक्ट कर रहे हो सेलेक्टेबल मार्कर से आप क्या सेलेक्ट कर रहे हो सेलेक्टेबल मार्कर की वजह से हम ट्रांसफॉर्मेंट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को एलिमिनेट कर रहे हैं क्लियर बात पॉइंट समझ में आ रहा है सेलेक्टेबल मार्कर वो मार्कर जो सिलेक्शन में मदद करे तो सेलेक्टेबल मार्कर की वजह से हम ट्रांसफॉर्मेंट्स को सेलेक्ट करते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को हटाते हैं सेलेक्टेबल मार्कर वो क्या होते हैं जो ट्रांसफॉर्मेंट्स का पता लगाते हैं अब देखो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ना उसमें मैं आपको ट्रांसफॉर्मेंट्स नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स रिकॉम्बिनेंट्स नॉन रिकॉम्बिनेट्स ये सब पढ़ाऊंगा डिटेल में समझाऊंगा कैसे क्या होता है फिलहाल के लिए ये समझो कि ट्रांसफॉर्मेंट्स वो ऑर्गेनिज्म है जिसने जीन ऑफ इंटरेस्ट को रखा है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स वो है जिसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है अब बात आती है कि सेलेक्टेबल मार्कर का एग्जाम्पल क्या है बच्चों सेलेक्टेबल मार्कर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स सेलेक्टेबल मार्कर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स किस किस के लिए हो सकते हैं बच्चों ये एम्पीसीन के लिए हो सकते हैं टेट्रा के लिए हो सकते हैं क्लोरम फेनिकॉल के लिए हो सकते हैं क्लोरम फेनिकॉल के लिए हो सकते हैं एंड क्या नाम आइसीन के लिए हो सकते हैं तो सेलेक्टेबल मार्कर की वजह से हम ट्रांसफॉर्मेंट्स का पता लगा सकते हैं यानी ये वो होस्ट है जिनके पास अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा और सेलेक्टेबल मार्कर में मोस्टली यूज करते हैं बच्चों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स याद है बताया था आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स वो होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म को एंटीबायोटिक के असर से बचाते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स वो जीन्स होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म को एंटीबायोटिक के असर से बचाते हैं ऐसा क्यों क्योंकि नॉर्मली जो इकोलाई होता है या नॉर्मली जो बैक्टीरियल सेल्स होती है वो एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंट नहीं होती ये हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं तो देखो नॉर्मली होती नहीं है हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं तो जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जाएगा वो ट्रांसफॉर्मेंट होगा ना आप सेलेक्ट कर लोगे यानी उसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है इस तरीके से आप समझ सकते हो तो एंटीबायोटिक रेजिस्टें जीन हम कौन कौन सी करते हैं। का, 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 का। ये चारों के चारों बच्चों एंटीबायोटिक्स हैं जिनके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हम प्रोवाइड करते हैं किसको होस्ट को जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है तो इसके थ्रू हमारा सेलेक्शन ईजी हो जाता है क्लियर है पॉइंट समझ में आया तो यहां पर आप देख सकते हो बच्चों

बट लास्ट आज का बस एक छोटा सा टॉपिक क्लोनिंग साइट एक बात बताओ हम जीन की क्लोनिंग कर रहे हैं तो जीन की क्लोनिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चाहिए ना भाई क्लोनिंग वेक्टर के अंदर अगर एक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस नहीं है तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट नहीं कर पाएगा और अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट नहीं कर पाएगा तो हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को और क्लोनिंग वैक्टर के डीएनए को जोड़ नहीं पाएंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना नहीं पाएंगे इन ऑर्डर टू लिंक दी एलियन डीएनए ऑर्डर टू लिंक दी एन एक्टर साइट रेस्ट्रिक्शन अगर हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट की करनी है, तो एलियन डीएनए को लिंक करने के लिए वैक्टर के पास क्या होनी चाहिए वेरी फ्यू प्रिफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए अब बस ये लास्ट पॉइंट समझ लो क्योंकि इस पर कंफ्यूजन रहती है एक क्लोनिंग वैक्टर के अंदर चलो एक क्लोनिंग वैक्टर के अंदर

इफ देयर आर मल्टीपल इफ देयर आर मल्टीपल क्लोनिंग साइट फोर सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इफ देयर आर मल्टीपल क्लोनिंग साइट फॉर सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन अ वैक्टर क्या होगा बच्चे जनरेशन ऑफ मैनी फ्रेगमेंट जनरेशन ऑफ मैनी फ्रेगमेंट्स अफेक्ट क्लोनिंग हम ये बोलते हैं हम ये बोलते हैं कि अगर एक क्लोनिंग वेक्टर के पास हम ये बोलते हैं अगर एक क्लोनिंग वेक्टर के पास बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट हो अगर एक क्लोनिंग वेक्टर के पास बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट हो मतलब वो अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए तो बहुत अच्छा है आप कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चूज कर सकते हो लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक ही साइट होनी चाहिए क्लोनिंग वेक्टर में अगर एक से ज्यादा साइट होगी तो बहुत सारी फ्रेगमेंट होगी तो आपको यह नहीं पता चलेगा कि, कि किस फ्रेगमेंट में जाकर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाए तो हमारी क्लोनिंग खराब हो जाएगी एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप यहां पर देखो तो देखो कई सारी क्लोनिंग साइट है बैम एच वन की क्लोनिंग साइट है कई सारी क्लोनिंग साइट है क्या बैम एच वन की क्लोनिंग साइट है सेलवन की क्लोनिंग साइट है की 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 है, की है, की है, तो सेवरल क्लोनिंग लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन जैसे यहाँ पर Eco -R1 की एक ही है, क्योंकि अगर एक से ज्यादा की होगी होगी तो बहु, क्या हो बहुत सारी बनेगी जो हमारी क्लोनिंग को खराब कर देगा ये पॉइंट अच्छे से समझ लेना बस इसको बस दिखा देता हूं मैं डायग्रामेटिकली बना के ताकि क्लैरिटी आ जाए देखो ये एक वैक्टर है ये एक वैक्टर है और इसके पास दो है। है है, ये एक बच्चों, इसके पास दो फ्रेगमेंट मिलेगी आपको अगर आप इसे इको आर वन से कट करवाओगे तो दो फ्रेगमेंट मिलेगी इस तरीके से तो अब इसमें से अब आपको ए जगह पर लगाना है अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को या बी वाले को लगाना है ये पता ही चलेगा आपको अगर एक क्लोनिंग वेक्टर में सेम रेस्ट्रिक्शन के लिए एक से ज्यादा साइट होगी तो जब वो कट करेगा तो देख रहे हो कई बन गई। अब आपको लगाना है बी में लग गया वो ए में तो आपकी क्लोनिंग खराब होगी ना अगर आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगाना है बी में लग गया वो ए में आपकी क्लोनिंग खराब होगी तो ये बताना चाह रहा हूं मैं क्लियर है पॉइंट में आया क्लियर Okay. तो अब बात सुनो मेरे ध्यान से बच्चों क्लोनिंग वेक्टर का टॉपिक हमने जस्ट स्टार्ट है हमने खाली वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर समझे कि जो एक क्लोनिंग वेक्टर में होने चाहिए बट कुछ चीजें मैं बता दूं जैसे कि ट्रांसफॉर्मेंट हमने एक टर्म पढ़ा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हमने एक टर्म पढ़ा रिकॉम्बिनेंट हमने एक टर्म पढ़ा नॉन रिकॉम्बिनेंट टर्म पढ़ा ये जो चारों टर्म्स है बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा पहले तो हम इन चारों को डिटेल में समझेंगे और इन चारों को डिटेल में समझने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे सेलेक्टेबल मार्कर का भाई सेलेक्टेबल मार्कर की वजह से तो आपको पता चलेगा कौन ट्रांसफॉर्मेंट कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन रिकॉम्बिनेंट कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट तो उसको अच्छे से समझेंगे और क्लोनिंग वेक्टर वाले टॉपिक को खत्म करेंगे राइट और उसके बाद फिर ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह को पढ़ेंगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस लेक्चर को अच्छे से समझना और नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर जब कनेक्ट करोगे तो आपका क्लोनिंग वेक्टर बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा और वो चारों टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ठीक है थैंक यू बच्चा लोग